हम लोगों का जो मुख्य चिंता का बिंदु है या कुछ करने का है वो ये है कि अपने देश को स्वावलंबी बनाना है, स्वदेशी बनाना है और हर तरह के परावलंबन से मुक्त करना है। उसी के लिए ये सारा प्रयास है जिसको हम लोग आजादी बचाओ आंदोलन कहते हैं। ये जो गेट करार है, ये जो डंकल प्रस्ताव है शुरू में जिसको कहा गया, वो परावलंबन का सबसे बड़ा इस समय एक तंत्र जैसा है, परावलंबी तंत्र है पूरा, हमको परावलंबन में फंसाने वाला है पूरी तरह से। और ये परावलंबन जैसा पहले आया अंग्रेजों के जमाने में, उससे भी ज्यादा कुछ खराब होने वाला है। अंग्रेजों के जमाने का जो परावलंबन था, हमारी जो गुलामी थी, उससे भी ज्यादा खराब अभी अगले 8-10 वर्षों में इस देश में आपको दिखाई देगी। हम लोग पहले से परेशान थे इस बात के लिए कि अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजों का तंत्र जो परावलंबी था हमारे लिए वो नहीं गया, वैसे का वैसा ही है। अब उससे भी ज्यादा परावलंबन का एक नया प्रयास इस देश में शुरू हो रहा है जिसको हम गेट करार कहते हैं। ये जो गेट करार है उसके बारे में अक्सर मैंने मेरे व्याख्यानों में कहा है, आज मैं आपसे उसके बारे में चर्चा करूंगा। गेट करार की कॉपी में लेके आया हूं, उसके कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। आप में से किसी की और ज्यादा इच्छा होगी तो उसको फोटोकॉपी करा लेंगे। लेकिन मेरे मन में एक बात है, वो मैं आपसे पहले शेयर करूं कि ये गेट करार को समझने के पहले थोड़ा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो हमारी समझ बनाने में बहुत मदद देगी। तो गेट करार के बारे में थोड़ी सी बात और थोड़ी सी हमारी और ज्यादा समझ बनाने में, दोनों। अभी ये जो गेट करार है उसके बारे में छोटी जानकारी तो आपको मिली उस दिन जब अर्थव्यवस्था का सत्र हो रहा था, और उस सत्र में ये कहा गया कि ये जो पूंजी का खेल है उसको नियंत्रित करने के लिए अमरीकी और यूरोपीय लोगों ने ये संस्थाएं बनाई जिनको IMF कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। उसी में से एक संस्था बनी जिसको गेट कहते हैं, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये बनी 1946-47 में जब भारत आजाद हुआ, बातचीत शुरू हो गई 1945 में। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बर्बादी बहुत हो गई, यूरोप के देशों में बहुत बर्बादी हो गई, अमेरिका में उतनी नहीं हुई थी, यूरोप में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी, अब जापान में भी काफी बर्बादी हुई थी। तो ये जो बर्बादी है उसको फिर से ठीक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए ये संस्थाएं बनी, गेट बना, IMF बना। काम इनका ये था, IMF का काम क्या था वो आपको उस दिन के व्याख्यान से समझ में आया होगा कि पूंजी को नियंत्रित रखना वो उनका मुख्य काम था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित रखना, कभी किस देश को क्या पूंजी की जरूरत पड़ जाए वो उपलब्ध कराना, लेकिन ब्याज पर, माने कर्जे देकर। वर्ल्ड बैंक का ये काम था कि ये जो ध्वस्त हुआ है पूरा का पूरा, बिल्डिंगें गिर गई हैं, हॉस्पिटल्स गिर गए हैं, बमबारी बहुत हुई थी, लोग मर गए हैं, स्कूल टूट गए हैं, धर्मशालाएं टूट गई हैं, इन सबको फिर से खड़ा करना, उसके लिए कर्ज देना। तो विश्व बैंक एक संस्था बनी जो प्रोजेक्ट्स लोन देती थी, आज भी देती है। प्रोजेक्ट्स माने यही सब, स्कूल बना देना, हॉस्पिटल बना देना, सड़क बना देना, या कहीं पर डैम बना देना, या कहीं पर रिजर्वायर बना देना, ये सब व्यवस्थाओं के लिए अगर किसी को कर्ज चाहिए तो विश्व बैंक बन गया। और पूंजी के प्रवाह से कहीं कोई देश में गड़बड़ी आती है उसके लिए कर्ज चाहिए तो IMF बन गया। और व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गेट बन गया, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये तीन संस्थाएं बनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब ये जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, गेट जिसको कहा जाता है, इसके कुछ नियम थे। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम ये रहा कि कभी भी कोई देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको कह सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जिसको कह सकते हैं, वो व्यापार जो होगा उसके लिए नियम बनाएगा गेट। ये सबसे पहला उसका मूल सिद्धांत या मूल उद्देश्य तय हो गया 1945 में कि गेट क्या करेगा। गेट एक इंस्टीट्यूशन होगा
वो इंस्टीट्यूशन दुनिया के आपस में व्यापार करने वाले देशों के बीच के आयात निर्यात के नियम का निर्धारण करेगा। अब वो कैसे, मैं एक उदाहरण दें, हम भारत के लोग चाय बनाते हैं, फ्रांस के लोगों को चाय की जरूरत है, हमें उनको चाय बेचनी है और उनसे मान लो हमें कुछ खरीदना है, फ्रांस में मान लो कंप्यूटर बनता है, हमें उनसे कंप्यूटर खरीदना है, तो चाय को बेचने का कोई नियम होगा, कंप्यूटर खरीदने का कोई नियम होगा, वो नियम बनाने का काम गैट करेगा। ये था गैट का मूल प्रिंसिपल, यही था मुख्य उद्देश्य। दो देशों के आपसी व्यापार के लिए कहीं भी कुछ नियम कानून की जरूरत पड़े तो वो नियम कानून बनाने का काम गैट करे। और ये गैट जो था वो कुछ इसी तरह का था जैसे यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन की कल्पना आपको है, संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र में क्या है, सभी देश मेंबर हैं, तो मेंबर देश मिलकर कुछ नियम बनाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही गैट के कुछ मेंबर देश थे, उन्होंने मिलकर नियम बनाए। तो जो मेंबर देश होते हैं उनका एक एक प्रतिनिधि वहां रखा जाता है। गैट जब बना 1945-46 में, 47 में शुरू हो गया, तो उसके करीब 45-46 देश उस समय मेंबर थे, भारत उसमें से एक था। भारत गैट के जन्म से ही गैट का मेंबर है, जब से गैट बना भारत गैट का मेंबर है। ऐसे ही अमरीका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, स्वीडन था, स्विट्जरलैंड था, दुनिया में 200 देश, लेकिन उसमें से मात्र 45 देश उसके मेंबर थे। इन 45 देशों का आपस का व्यापार, भारत ने फ्रांस को कुछ बेचा, फ्रांस से कुछ खरीदा, भारत ने अमरीका को कुछ बेचा, अमरीका से कुछ खरीदा, ये व्यापार के लिए कहीं आपस के जो झगड़े हैं वो बढ़े नहीं, उसके लिए नियम बनाना, कायदा बनाना, कानून बनाना, ये गैट की भूमिका थी। इसमें महत्व की बात ये जाननी चाहिए कि गैट की भूमिका ये कभी भी नहीं थी कि कोई देश अपने आंतरिक व्यापार के लिए क्या कानून बनाता है। व्यापार दो तरह का होता है ना, एक देश के अंदर, हम यहां सेवाग्राम में कुछ बनाते हैं, बंबई में ले जाके बेचते हैं, बंबई में कुछ बनाते हैं, राजकोट में ले जाके बेचते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, कहीं कुछ बेचते हैं, ये आंतरिक व्यापार। तो गैट का कभी भी ये ताकत नहीं रहा कि देश के आंतरिक व्यापारिक कानून से कोई छेड़छाड़ वो कर सके। लेकिन जैसे ही देश की सीमा खत्म हो और आपका व्यापार विदेशी हो जाए, वहीं पर गैट के नियम कानून लागू हो जाते थे। कोई वस्तु आपने बेंगलोर में बनाई और त्रिवेंद्रम तक अगर आप बेचने ले जाते हैं तो उस पर गैट वैट कुछ नहीं है। त्रिवेंद्रम में समुद्र में डाल दिया और आपने भारत की सीमा क्रॉस किया, जैसे ही भारत का समुद्री सीमा खत्म हुआ, तुरंत जो है क्या हुआ, गैट लागू हो गया। ये थी गैट के सीमा। सीमा समझ गए कि ये सीमा में गैट काम करेगा। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के लिए, एक दूसरे देशों के आपसी झगड़ों को दूर करने के लिए, व्यापारिक झगड़े खासकर, राजनीतिक नहीं, व्यापारिक झगड़े दूर करने के लिए ये सब बना, चालू हो गया 1947 में। हम भी उसके मेंबर, अमरीका भी उसका मेंबर वगैरह, कुछ चलता रहा ये। और इसमें कोशिश ये रही कि जो शुरू में 45 देश मेंबर थे, उन्होंने और भी देशों को मेंबर बनने के लिए इसमें लाया, उनको प्रेरित किया। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ के 70 हुई, फिर 77 हुई, फिर 90 हुई, फिर 126 हो गई। आज दुनिया के 126 देश गैट के मेंबर हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब बीच में एक गड़बड़ हो गई, वो होती रहती है। ये जो अमरीका है और यूरोप है पूरा का पूरा, यहां पर चूंकि सारा खेल पूंजी से है, वो आपने समझा उस दिन के व्याख्यान में, तो कभी पूंजी जो है अनियंत्रित हो जाती है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। अब व्यवस्था कैसे बिगड़ती है, यूरोप और अमेरिका में ऐसा पिछले 200 साल से चलता है, शायद 300 साल से भी चलता होगा, कि बार बार मंदी आती है, 10-20 साल में, 30 साल में तो आ ही जाती है, ये एक नियम जैसा है। ये हम लोग अगर देख रहे हैं पिछले 1800-1700 से कुछ डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं तो ये दिख रहा है, हर 30 साल में 20 साल में मंदी आती है। मंदी का अर्थ आप समझते ही हैं, माल बहुत होता है लेकिन खरीदने वाले नहीं होते, ये मंदी आती रहती है। तो मैक्सिमम 30 साल में तो आ ही जाती है, कभी कभी बहुत कोशिश करो तो 40 साल, लेकिन 30-40 साल में मंदी आती रहती है। अब उनके लिए परेशानी हो जाती है, यूरोप और अमेरिका के लिए, क्योंकि उनका पूरा तंत्र जो है
वो उसी पर आधारित है कि पूंजी से उत्पादन करना है, उत्पादन को बाजार में बेचना है, उसमें से लाभ कमाना है, फिर और उत्पादन करना है, फिर बेचना है, फिर वगैरह। तो जैसे ही मंदी आती है तो उनका ये साइकिल टूटता है। साइकिल कैसे टूटता है? जब आप उत्पादन पूंजी से कर रहे हैं और बाजार के लिए कर रहे हैं। आप ध्यान इस बात का दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपने जो समझा है पिछले छह दिनों में कि हमारे यहां उत्पादन जो हो रहा है वो अपनी जरूरत के लिए हो रहा है, गांव के लिए हो, शहर के लिए हो, तालुका के लिए हो, तहसील के लिए हो, उत्पादन अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। और यूरोप और अमेरिका में हो रहा है उत्पादन बाजार में बेचने के लिए। अब क्या होगा, जब मंदी आएगी तो बाजार में माल बिकना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ये होता रहता है। और ये क्यों होता है, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जो मानव स्वभाव है वो बदलता रहता है, कुछ चीजों में फिक्स रहता है, कुछ चीजों में बदलता रहता है। फिक्स कहां रहता है? जो मान्यता होती है वहां फिक्स रहता है, लेकिन स्वभाव में कभी कभी परिवर्तन होता रहता है। कैसे परिवर्तन होता रहता है? मैं से जैसे कल धर्मपाल जी कह रहे थे ना कि एक आदमी है, रात को सोया तो करोड़पति था, सवेरे उठा तो कहा कि मैं सब दान करता हूं, अभी सब बेकार है, माया है, इसमें नहीं फंसना है, मैं तो हिमालय जाता हूं। परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब कल तक वो करोड़पति था तो उसके उपभोग करने का एक पैटर्न था, 10 जोड़ी जूते चाहिए, 50 जोड़ी सैंडल चाहिए, 50 जोड़ी कुर्ते चाहिए, पजामे चाहिए, या शर्ट चाहिए, या ट्राउजर्स चाहिए, पैंट चाहिए, या टाई चाहिए, या कोट चाहिए, तरह तरह के परफ्यूम चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसका एक कंजम्पशन का पैटर्न था। कल को वो कहता जी मैं तो हो गया सन्यासी। तो सन्यासी होना और एक दिन पहले तक जब वो करोड़पति था तो अंतर क्या है? अंतर कंजम्पशन के पैटर्न का है और कुछ खास अंतर नहीं है। मान्यता उसकी नहीं बदलेगी, मान्यताएं उसकी फिक्स हैं, वो तो वैसे ही रहने वाली हैं। पैटर्न बस इतना ही बदलेगा कि वो कहेगा अब तो जी मैं एक ही कुर्ते पजामे में मेरा काम चला सकता हूं, या 2 में चला सकता हूं, या 10 में चला सकता हूं, पहले जितना नहीं चाहिए अब मुझे, मैं तो नंगे पैर ही चल सकता हूं। ये जो है ना, ये होता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। ये भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, यूरोप में भी होता है। यूरोप और अमेरिका में ये जब आ जाता है समाज में तो बहुत डर पैदा हो जाता है। अगर आप मन से सन्यासी होने लगे, माने कल तक आप कहते थे कि मुझे तो 100 जोड़ी कपड़े चाहिए, फिर आपने कहा ये काय के लिए चाहिए 100 जोड़ी, अभी 2 जोड़ी में ही काम चलेगा या 3 में ही चलेगा, तो वो खतरा हो जाता है यूरोप में, अमेरिका में, क्योंकि उससे प्रोडक्शन में कमी आती है, डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो इन्वेस्ट, फिर वो प्रॉफिट कम होने लगता है, वो पूरी साइकिल टूटना शुरू होती है। तो वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरह कंजम्पशन गिरने ना पाए सोसाइटी में, क्योंकि वही उनके लिए मूल है। अब जब कंजम्पशन गिरना शुरू होता है तो मंदी आती है, तो फिर वो ये तलाश करते हैं कि भैया माल बनाना तो बंद मत करो, क्योंकि अगर वो माल बनाना कम करते हैं तो उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स फेल होती है। तो वो कहेंगे माल बनाना तो कम मत करो, अब देखो दूसरे किसी देश में गुंजाइश है कि अपने माल बेचने की। तो उनके पास जो सामान होगा, जो सरप्लस होगा, जो प्रोडक्शन है, उसको लेके वो दूसरे देश में बेचने के लिए जाएंगे। अब दूसरे देश में बेचने के लिए जाना है तो निश्चित रूप से उसके लिए डिमांड खड़ी करनी पड़ेगी और व्यवस्था वैसी बनानी पड़ेगी। तो ये जो गेट करता रहा वो यही काम करता रहा कि कभी कभी जब बहुत मंदी आ जाए तो उस मंदी से यूरोप और अमेरिका के देशों को बाहर निकालने के लिए, दूसरे देशों में अपने सामान की डिमांड बढ़ाने के लिए, वहां की सरकारों के ऊपर कुछ नियम कायदे कानून लागू कराने के लिए वो काम कुछ होता रहा। ऐसा हो गया 1970-71 में बड़ा पैमाने पर ये मंदी जैसी आ गई। और वो मंदी आ गई क्योंकि ये जो तेल कंपनियां हैं ना, इन्होंने अचानक से भाव बहुत बढ़ा दिए थे। ओपेक जो एक संगठन है, उन्होंने बहुत तेज भाव बढ़ा दिए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। वो मंदी और बढ़ती गई, 80 में जाके बहुत भयंकर हो गई, और 1984-85 में तो बहुत ही ज्यादा हो। तब ये चिंता हो गई यूरोप और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उरुग्वे नाम का एक देश है, वहां पर मीटिंग बुलाई सितंबर के महीने में 1986 में। मीटिंग 10-12 दिन चली, वो मीटिंग को उरुग्वे राउंड कहा गया। उरुग्वे एक देश है लैटिन अमेरिका में, आप नक्शे में देख सकते हैं। मीटिंग चली 10-12 दिन, उस मीटिंग में यही विचार हुआ कि भाई ये मंदी आई है अब क्या करना। तो उसमें कुछ एक अर्थशास्त्रियों ने ये सुझाव दिया कि अब तो एक ही रास्ता है
कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने सामान तो बहुत बना रखा है और अपने बाजार में बेचने का गुंजाइश नहीं है, स्टैग्नेशन आ गया है, कंजम्पशन पैटर्न में अभी बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। एक ही रास्ता है कि दूसरे देशों में बेचो। अब दूसरे देशों में बेचो तो कहां बेचो, तो जहां पर संभावना है। तो अब वो बेचने के लिए क्या है, तो अब दूसरे देशों के नियम कायदे कानून इस तरह से बदलवाओ कि उनके देश में ये माल की खपत आसानी से हो सके। तो पहली बार 1986 में उरुग्वे राउंड में यह तय किया गया कि अब गेट नाम की जो संस्था है वो ये काम भी करेगी कि दूसरे देशों की सरकारों की नीतियों को बदलवाने के लिए, कानून को बदलवाने के लिए, नियम को बदलवाने के लिए दबाव डालेगी। और नीतियां, कानून, नियम कैसे बदलवाने हैं ताकि उनका बनाया हुआ माल हमारे देश में बिके, या चाइना में बिके, या इंडोनेशिया में, या मलेशिया में, या जो गेट के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें, सब में। तो 1986 में ये शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि भारत में शुरू में तो भारत की सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वो विरोध ढीला पड़ता गया। शुरू में बहुत विरोध किया 1986 में। और विरोध क्यों हुआ, क्योंकि ये जो गेट का निगोशिएशन होता है तो इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी जाता है, वो मुख्य प्रतिनिधि माना जाता है, कभी कभी फाइनेंस मिनिस्टर जाता है, इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर भी जाते रहते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी भी जाते हैं। तो प्रतिनिधि स्वरूप भारत की तरफ से एक व्यक्ति थे उस समय 1986 में, उनका नाम था एसपी शुक्ला, महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे, बाद में सेक्रेटेरिएट में चले गए। वो जाते थे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत के 1986 में जब उरुग्वे राउंड हुआ। उनको बहुत समझ है भारत के बारे में, हमारी उनसे दोस्ती भी है, और दोस्ती हुई वो इसी कारण से हुई, गेट के चक्कर। उनको भारत की बहुत समझ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ है, भारतीय समाज की भी काफी समझ है। तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने पूरी ताकत से विरोध किया, और इतना विरोध किया कि दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों को अपने साथ कर लिया उन्होंने, ब्राजील को साथ में ले लिया, इजिप्ट को साथ में ले लिया। बात क्या चल रही है, बात यह चल रही है कि दूसरे देशों की आंतरिक नीतियों में, कानूनों में फेरबदल कराओ ताकि विदेशी माल दूसरे देशों में, अमरीका और यूरोप का माल दूसरे देशों में बिक सके, इसके लिए दबाव डालो। तो ये एसपी शुक्ला जो थे उस समय भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ताकत से विरोध किया, और ये उन्होंने एक संकल्प सा ले लिया कि जब तक मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रहूंगा इसको होने नहीं दूंगा। तो उसके लिए बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि दुनिया के ये जो गरीब देश हैं, तथाकथित गरीब कहना चाहिए, गरीब तो वैसे कोई देश नहीं है, जिनके पास संसाधन अच्छे हैं वो गरीब कैसे हैं, लेकिन एक शब्द चल गया है विकासशील और गरीब देशों का, जिसमें भारत जैसे देश हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि ये जो गरीब देश हैं लेकिन संसाधनों में बहुत ऊंचे हैं, जिनके पास उनका एक क्लब बना दिया, और वो क्लब की ताकत से यूरोप और अमेरिका का विरोध उन्होंने शुरू किया। उस क्लब में 77 देश थे, 77। आप सोचिए एक आदमी क्या कर सकता है, ये जो कई बार बात होती है ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है, एक अकेला फाइनेंस सेक्रेटरी भारत देश का। दुनिया भर में घूमना उन्होंने शुरू किया, ब्राजील गए, इजिप्ट गए, नाइजीरिया गए, सूडान गए, लीबिया गए, वहां गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब सरकारों को जाकर उन्होंने कन्विंस करना शुरू किया। 3 साल की मेहनत के बाद नतीजा ये निकला कि ये 77-78 देश एक साथ हो गए, अमरीका और यूरोप के देश एक बाजू में हो गए। अब उनकी तो माइनॉरिटी है, क्योंकि कुल यूरोप के देश और अमरीका मिला के 24-25 बैठते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और इधर सब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका मिला दो तो ये 100 से 125 से ऊपर बैठते हैं। तो 77 देश एक साथ और ये 20-25 देश एक साथ, तो उनकी तूती बंद हो गई। फिर उन्होंने एक नया खेल शुरू किया, उन्होंने कहा कि अब तो ये एकता हो गई है, अब ये एकता टूटेगी नहीं तो उनका माल भारत जैसे देशों में बिकेगा नहीं। एसपी शुक्ला ने सरकार में रहकर वही काम किया जो इस समय हम यहां कर रहे हैं, स्वदेशी का ही काम उन्होंने वहां किया, अपने देश के उद्योगों को बचाना, अपनी इंडस्ट्रीज को बचाना, अपने संसाधनों को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए विरोध किया। और उनका यह कहना था कि सिर्फ हमारा ही नहीं, दूसरे देशों का भी बचाना जो हमारे जैसे। फिर क्या हुआ कि खेल क्या शुरू हुआ, अमरीका ने भारत देश की सरकार के ऊपर 1989 में एक सीधे चिट्ठी लिख दिया, अमरीका से वो एस कहना चाहिए वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट से एक चिट्ठी आ गया भारत सरकार को, और आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक प्रेशर कितना होता है, बेलजी भाई ने आपको एक उदाहरण दिया।
तो वर्ल्ड बैंक का चिट्ठी आ गया, उसमें क्लियरली लिख दिया गया कि एसपी शुक्ला को हटाओ। हाँ, सीधे चिट्ठी में आ गया, एसपी शुक्ला को हटाओ। अच्छा, और उसकी शर्त यह थी कि आपको अगर कर्ज चाहिए तो एसपी शुक्ला को हटाओ। अमेरिका से कर्ज लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना, आईएमएफ से लेना, तो एसपी शुक्ला को हटाओ। तो भारत सरकार ने थोड़े दिन तो सोच विचार किया। 1989 में आप जानते हैं सरकार किसकी थी, माने मिश्र सरकार आ गई थी जिसमें बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, कांग्रेस सरकार गिर गई थी, राजीव गांधी सरकार गिर गई थी, बीपी सिंह सरकार आ गई थी। बीपी सिंह सरकार मिलीजुली सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ था, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बना था। बोफोर्स का मुद्दा पूरे देश में उस समय चर्चा में आया था, करप्शन का नारा था, राजीव गांधी चले गए थे और ये बीपी सिंह आ गए। बीपी सिंह सरकार में इन, और ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे मिस्टर एसपी शुक्ला, ये राजीव गांधी के जमाने में भी थे। बीपी सिंह जब आए तब भी वही फाइनेंस सेक्रेटरी थे। अब उनको सीधे चिट्ठी आ गया कि ये हटाओ इनको, ये तो रहते नहीं होगा। और उन्हीं के एक मित्र थे एसपी शुक्ला के, उनका नाम था मुचकुंद दुबे, वो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत देश के, तो वो भी इसी विचारधारा के थे, स्वदेशी को मानने वाले, भारत को मानने वाले वगैरह वगैरह। तो दूसरी चिट्ठी आ गई कि इनको भी हटाओ, मुचकुंद दुबे को हटाओ। तो अब जब सरकार को इस तरह का सीधे आ जाता है वर्ल्ड बैंक से, तो फिर सरकार के हाथ पर फूल जाते हैं। तो बीपी सिंह ने इनको हटा दिया, एसपी शुक्ला को हटा दिया। मुचकुंद दुबे तो थोड़े समय बाद रिटायर हो गए, लेकिन एसपी शुक्ला को हटा दिया। फाइनेंस सेक्रेटरी जो व्यक्ति है उसको ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बना दिया, डिमोशन एक तरह का। जो आदमी वित्त सचिव है उसको आपने ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका सचिव बना दिया। एसपी शुक्ला को बहुत खराब लगा और वो आज भी ये कहते हैं कि मेरी सेवाओं का मुझे ये इनाम मिला, मैंने राष्ट्रभक्ति दिखाई, देशभक्ति दिखाई, तो इनाम ये मिला कि मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था, अब मैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हो गया। उन्होंने रिजाइन कर दिया, एसपी शुक्ला ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने जब रिजाइन कर दिया तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। उनकी जगह सरकार ने एक व्यक्ति को सेक्रेटरी बना दिया, उसका नाम था अनवरुल हुडा। अनवरुल हुडा वो व्यक्ति था जिसको वर्ल्ड बैंक ने ट्रेनिंग दिया था 15-16 साल, उसको भारत में भेजा गया। वो वर्ल्ड बैंक में काम करता था अमेरिका में। भारत में ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसके अधिकारी डेपुटेशन पे वर्ल्ड बैंक में जाते रहते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो अनवरुल हुडा इसी तरह से वर्ल्ड बैंक में गया हुआ था, 10-12-15 साल वहां रहा, उसमें काफी उसकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी, ट्रेनिंग भी वैसी हो गई थी। उसको लाके फाइनेंस सेक्रेटरी में रख दिया और सरकार ने कहा कि अब ये बातचीत करेगा, किसके साथ, ट्रेड निगोशिएशन में जाएगा, कॉन्फ्रेंस में जाएगा। तो जो समझ वाला आदमी था और जो देशभक्त था उसको हटाकर एक अमरीकी समझ वाला आदमी और जिसको देशभक्ति से कुछ लेना देना नहीं, वो भारत का जब सेक्रेटरी हो गया, फाइनेंस में आ गया और बड़ी पोस्ट उसको मिल गई, तो उसने जाके तुरंत सरेंडर कर दिया। तो इन्होंने ये जो 77-78 देशों को इकट्ठा किया था कि हम ये नहीं मानेंगे, फिर इन्होंने सरेंडर कर दिया और इन्होंने कहा कि हम सब मानेंगे। अब जैसे ही इन्होंने ये कहा कि हम सब मानेंगे, तो ये जो 77 देश इकट्ठे हुए थे इन्होंने भारत को गाली देना शुरू कर दी, और खराब से खराब गाली के, ये भारतीय लोग हरामखोर हैं और ये बेईमान हैं और चालबाज हैं और वगैरह वगैरह सब देशों ने गाली। क्यों, उन्होंने कहा कि हमने तो भारत के दम पर ये सब विरोध शुरू किया था और इन्होंने ही धोखा दे दिया। अब उनको ये कहानी मालूम नहीं है दूसरे देशों को कि जो व्यक्ति था उसको हटा के दूसरे को लाया और उसके माध्यम से अब इन्होंने सरेंडर किया। तो वो सरेंडर वहां तक हुआ कि ये इन्होंने सिद्धांतते मान लिया कि गेट करार, माने गेट की संस्था जो बनी है, अब वो ये भी करेगी कि देशों के आंतरिक नीति नियम कानूनों को बदल पाएगी। और ये जब इन्होंने स्वीकार कर लिया 1991 में, तब सरकार बदल गई लेकिन सेक्रेटरी नहीं बदला। वो आप जानते हैं आसानी से बदलते नहीं है सेक्रेटरी वगैरह। सरकार बदल गई, सरकार आ गई नरसिम्हा राव की, बीपी सिंह की चली गई, बीच में चंद्रशेखर की थी वो भी चली गई, अब नई सरकार आ गई। नई सरकार में सेक्रेटरी वही था अनवरुल हुडा, तो नई सरकार का दिमाग भी उसने पलट लिया और उसने समझा दिया कि अमरीका और यूरोप के साथ तो जाना ही पड़ेगा, अब जैसा वो कहते हैं मानना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो
अब सरकार जब तैयार हो गई तो गेट एग्रीमेंट साइन हो गया। तो ये साइन हो गया 15 दिसंबर 1994 को। 15 दिसंबर 1994 को जो ड्राफ्ट साइन हुआ उसकी ये कॉपी मेरे पास है, यही वो ड्राफ्ट है जिसको हम गेट करार कहते हैं, डंकल प्रस्ताव कहते हैं। ये इतना मोटा है, इसको मुझे पढ़ने में 10 साल लग गया, मुझे पढ़ने में 10 साल लग गया ये ड्राफ्ट को पढ़ने। कारण उसका क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये इसका जो भाषा है वो बहुत ही क्लिष्ट है, सामान्य अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी गई है। और ये वेस्ट की आदत है, माने ये जो पश्चिमी देश है ना, वहां कुछ भी लिखा जाता है तो सीधे नहीं लिखा जाता, गोल गोल जलेबी की तरह से घुमा घुमा के लिखा जाता। आप कभी भारत की संसद का बनाया हुआ कोई कानून का ड्राफ्ट कभी पढ़ा आपने? आप कभी भी ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो पहला वाक्य पढ़ना शुरू करिए और अंतिम पर जब आप पहुंचेंगे तो आप भूल जाएंगे पहले वाक्य में क्या है, दूसरे में क्या है, इतना गोल गोल जल। तो हमने ये ब्रिटेन से उधार लिया हुआ है पूरा का पूरा। सीधे कभी कोई बात नहीं कहना, घुमा घुमा के कहना। तो इसमें जितनी भी बातें हैं वो सब घुमा घुमा के कही है, तो उनका अर्थ निकालने में टाइम लगता, पढ़ने में टाइम नहीं लगता। ऐसे आप पढ़ने बैठेंगे, थोड़ी अंग्रेजी आप जानते हैं तो 2-3 दिन में ये पूरा ड्राफ्ट पढ़ लेंगे, लेकिन जो लिखा है उसका मतलब क्या है, क्या अर्थ निकलता है, वो निकालने में हमें तो 10 साल लग गया। हो सकता है आप लोग पढ़ते तो शायद 5-1 साल में या 7 साल में निकाल लेते, लेकिन मुझे 10 साल लग गया। और 10 साल क्यों लग गया, क्योंकि इसमें ये जो प्रोविजन्स हैं जो लिखा गया है वो उसके रेफरेंसेस बहुत है। आप ऐसा समझ लो ये एक गेट करार को पढ़ने के लिए कम से कम 25-30 हजार पन्ने पढ़ने पड़े अलग अलग चीजों के, रेफरेंसेस उसमें बहुत है। तो पूरा गेट करार पढ़ना हो तो ये और इसके नीचे 25 हजार पन्ने और रख लो, ये करीब 550 पन्ने हैं, 576 पन्ने हैं। तो रेफरेंसेस जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक उसका अर्थ क्या है वो समझ में नहीं आए। मान लो एक प्रोविजन है उसमें लिख दिया अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन, कहीं लिख दिया। अब आप ढूंढो कि वियना कन्वेंशन क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है। इसमें ऐसे बहुत प्रोविजन है जिसमें अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, अब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की ट्रीटी निकालो फिर उसको पढ़ो तब आपको वो प्रोविजन समझ में आएगा। इसी में इस तरह से लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी। तो ये ट्रीटीज पढ़ने में ही, कन्वेंशंस के रूल्स रेगुलेशन पढ़ने में ही 25,000 पन्ने लगते हैं। अब आप समझो जब ऐसी स्थिति है इसकी, एग्जैक्ट ये स्थिति है, तो संसद में क्या हुआ होगा जहां बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, वहां तो कोई पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। पढ़े लिखे से मतलब डिग्री होल्डर से नहीं है मेरा मतलब, पढ़े लिखे से मतलब है जिनको पढ़ने लिखने का शौक है। डिग्री कम हो सकती है, भले वो हाई स्कूल पास हो लेकिन उसको शौक है कि हाँ वो पढ़ता है, समझने की कोशिश। हमारे यहां तो कोई पढ़ता लिखता नहीं है, हम तो खैर कम पढ़ लिखते हैं, हमसे भी कम पढ़ने लिखने का काम तो ये करते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको फुर्सत भी नहीं है। यहां उद्घाटन करो, वहां उद्घाटन करो, कभी शौचालय का उद्घाटन, कभी मरघट का उद्घाटन, कभी किसी का उद्घाटन, कभी ट्रेन का उद्घाटन, झंडी हिला के अब राष्ट्रपति जा रहे हैं ट्रेन का उद्घाटन करने, ट्रेन के ट्रैक का उद्घाटन करने। मैंने राष्ट्रपति का काम गार्ड का हो गया, हरी झंडी दिखाओ तो ट्रेन चले आपके में। कितना हास्यास्पद है और मूर्खता वाला है। कभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उद्घाटन करने, तो आधे से आपने देखा था, अतुल भाई ने आपको समझाया था कि सरकारी कर्मचारी साल में मुश्किल से 200 दिन काम करते हैं, 165 दिन छुट्टू में औसतन। ये जो संसद है वो तो साल में 90 दिन काम करती है, इससे ज्यादा काम ही नहीं करती संसद। सरकारी अधिकारी जरूर साल में 200 दिन काम करते हैं, उसमें छुट्टी वुट्टी भी है, काम करने के घंटे भी उनके बहुत कम है, 8 घंटे का काम 4 ही घंटे करते हैं सरकारी कर्मचारियों की हालत है। संसद की हालत उससे भी गई बीती है, वो साल में 90 दिन से ज्यादा कभी चलती नहीं है। और वो चलती भी है तो उसमें हंगामे देख लो, कभी लालू यादव है, कभी मुलायम सिंह यादव है, कभी फूलन देवी थी, अब तो बिचारी चली गई, तो कभी कोई है, तो कभी कोई है, उनके आपस के मारामारी है, एक दूसरे को लात जूते हैं। तो संसद का अधिकांश समय तो वेस्ट होता है। अभी पुराने जो स्पीकर हुआ करते थे जिनका नाम था संगमा, उन्होंने बता दिया था कि संसद में जब बात होती है तो 65-70% समय तो वेस्ट ही जाता है। वो इकट्ठे हो गए, चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे चौराहे पे चिल्लाते हैं ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद,
संसद में भी वही जिंदाबाद मुर्दाबाद आपने देखा होगा, बुरी हालत है हमारी। मुझे कई बार लगता है मछली बाजार की हालत संसद से अच्छी है, जहां कम से कम बेचने वाला और खरीदने वाला एक दूसरे की सुनते तो हैं, यहां तो कोई किसी की नहीं सुनता। तो ऐसी संसद में आप कल्पना करो कि ये 25,000 पन्ने रेफरेंसेज के और ये 576 पन्ने गेटे, इस पे कोई बहस हो सकती है? और वो बहस जब मैं बोलता हूं कि इसको पढ़ने में 10 साल लगता है, तो ऐसी कोई बहस हो नहीं सकी और ज्यादा लोगों को समझ भी नहीं थी। हमने तो एक अभियान चलाया था, ये गेट करार की कॉपी नहीं थी एमपीज के पास, वो हमने हमारे पर्सनल जेब खर्चे से बना बना के दिया था, लेकिन ज्यादातर एमपीज को कॉपी दिया तो उन्होंने कहा अपने को समझता नहीं है, अब इसके लिए ट्यूटर लाओ जो हमको समझाए कि इस प्रोविजन का मतलब क्या है, तब हम बहस करें संसद में। कुछ 8-10 सांसद थे जिनको ये समझ रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है, तो वो थोड़ा चिल्लाते विल्लाते थे, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज थी, ज्यादा को समझता नहीं था। तो इस कारण से 15 दिसंबर 1994 को ये साइन हो गया। अब जब ये साइन हुआ तो माने क्या, आपने इसकी सब शर्तें मान लिया। कोई एग्रीमेंट जब साइन होता है तो सारी शर्तें आपने मान ली, जो कुछ उसमें लिखी है, अब आप उसको लागू करिए। तो अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते बहुत होते हैं, तो उन्हीं में से एक ये हो गया। अब इसमें जो महत्व की बात है, जो आप सुनिए, इसके पहले ही पन्ने पर लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है पैराग्राफ सेकंड, नो सिंगल एलिमेंट ऑफ द ड्राफ्ट, माने इस पूरे ड्राफ्ट का कोई भी एक एक हिस्सा, एक लाइन या एक वाक्य या एक पैराग्राफ या एक प्रोविजन तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि पूरा ड्राफ्ट आप स्वीकार नहीं करते। नो सिंगल एलिमेंट ऑफ द ड्राफ्ट फाइनल एक्ट, ड्राफ्ट फाइनल एक्ट माने ये पूरा ड्राफ्ट फाइनल एक्ट, कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। समझ गए, इसका माने पूरा स्वीकार करना है। इसका अर्थ यह है कि अगर रिजेक्ट करिए तो पूरा करिए, स्वीकार करिए तो पूरा करिए। आइदर यू टेक इट इन टोटेलिटी और यू कैन रिजेक्ट इट इन टोटेलिटी। इसमें से आप ये कहो कि थोड़ा मान लें थोड़ा छोड़ दें, वैसा नहीं होता। इसमें पूरा का पूरा मानना है, पूरा का पूरा स्वीकार करना। अब ये स्वीकार कर लिया हमारी सरकार ने, अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोविजंस दिए गए। तो पहला ही चैप्टर है इसमें जिसमें ये सारे प्रोविजन है, इसमें टोटल चैप्टर जो है ए बी सी डी करके लिखे गए हैं, अगर उनकी संख्या में गिन के बताऊं तो 28 चैप्टर्स टोटल। अब ये जो 28 चैप्टर है उसमें से एक को छोड़कर, एक चैप्टर को छोड़कर बाकी सब जो है किसी न किसी व्यापार से, किसी न किसी उद्योग से, किसी न किसी सेवा के काम से संबंधित हैं। एक को छोड़कर एक चैप्टर जो इसमें है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, माने गेट का ये जो प्रोविजन है, ये जो नियम है, ये जो कानून है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे उनको समझना, कैसे उसमें से इन्फरेंस निकालना, कंक्लूजन कैसे करना वगैरह वगैरह, ये इसमें है एक चैप्टर में, वो फर्स्ट चैप्टर है। बाकी सब चैप्टर किसी न किसी आपके व्यापार से, नियम से, वो व्यापार से, उद्योग से, सेवाओं से संबंधित है। अब जैसे मैं नाम सुना दूं, एक चैप्टर है जिसको कहा गया ट्रेड इन गुड्स, माने जितना भी सामान है उसके ट्रेड से संबंधित, व्यापार से संबंधित। एक ऐसे ही चैप्टर है उसका नाम है एंटी डंपिंग, ऐसी एक चैप्टर है रूल्स ऑफ ओरिजिन, वो मैंने बता दिया। फिर एक है एग्रीकल्चर, उसके नीचे एक सब चैप्टर है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। फिर ऐसे ही एक टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग, फिर इसी तरह से ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो एक चैप्टर है। फिर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, वो एक चैप्टर है। ऐसे करके करीब इसमें 28 चैप्टर है। अब वो 28 चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है वो आप अगर पूरा इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा भी तो इसमें करीब 15-20 दिन चाहिए। रोज का 6-7 घंटे हम बैठे तो 15-20 दिन में ये पूरा बात हो सकती है, उतना टाइम आपके पास भी नहीं है। हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया है कि 1-1.5 घंटे में इसको समअप करना, तो सब तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी कुछ जरूरी जरूरी बातें जो मुझे लगती हैं वो मैं आपको पढ़ पढ़ के और उसका अर्थ क्या है वो सुनाता जाऊंगा। अब मैं इसमें आपको जो पहला चैप्टर है जिसमें सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वगैरह वगैरह, उसके जो नियम कानून कायदे हैं उनमें से कुछ को पढ़कर सुनाता हूं। पहले चैप्टर में एक आर्टिकल नंबर 16 है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से।
और भी आर्टिकल्स हैं इसमें, टोटल आर्टिकल शायद 50 से ज्यादा होंगे, लेकिन इसमें आर्टिकल नंबर 16 और 15 ये कुछ ज्यादा जरूरी है। हर एक चैप्टर में ऐसे कुछ जरूरी जरूरी आर्टिकल हैं जिनको मैंने मार्क करके रखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आर्टिकल है। पेज नंबर है इसमें F26, पेज नंबर F26 और आर्टिकल नंबर 16। पेज नंबर भी कुछ इसी तरह से है, F26 है, F21 है, A1 है, A2 है, ऐसा करके पेज नंबर। तो पेज नंबर F26 आर्टिकल नंबर 16 वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत उसमें से एक है, इंडोनेशिया मलेशिया एक है, दो कैटेगरी हैं दुनिया में आप जानते हैं, एक डेवलप्ड कंट्रीज एक डेवलप्ड में अमेरिका आता है, यूरोप वगैरह वगैरह आता है, और डेवलपिंग में भारत इंडोनेशिया में। तो इनके लिए ये कहा गया है कि आपको ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट 10 साल में स्वीकार कर लेना है, ये है महत्व की बात। माने क्या इसका, अर्थ क्या, उन्होंने तो लिख दिया है, अंग्रेजी में लिखा, मैं आपको सीधे हिंदी करके बता रहा हूं क्योंकि टाइम कम लगेगा, नहीं तो अंग्रेजी पढ़ने में 6-7 वाक्य हैं उसके। उनका अर्थ क्या है, वो ये है कि आपको 10 साल के अंदर ये स्वीकार करना। अब आपने साइन कब किया, 15 दिसंबर 1994, 10 साल जोड़िए तो 15 दिसंबर 2004, तो 15 दिसंबर 2004 के बाद आपको ये पूरा का पूरा मान लेना है, ये है इसका मतलब। माने इसकी जितनी शर्तें हैं, इसके जितने नियम हैं, जितने कानून हैं वगैरह वगैरह, ये आपको 15 दिसंबर 2004 से मान लेना। बाद में क्या हुआ था कि थोड़ा बहस हुई वहां पे, तो उन्होंने कहा अच्छा 15 दिन और बढ़ा लो, तो 1 जनवरी कर दिया है। 1 जनवरी 2005 से आपको ये पूरा का पूरा मान लेना है, ये है आर्टिकल नंबर 16 जो मैंने कहा, चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल नंबर 16 पेज नंबर F26, उसमें यह कहा गया है कि आप इसको मान लो। अब क्या मान लो, इसमें जितनी शर्तें हैं, जितने नियम हैं, जितने कानून हैं, वो सब मान लो आप 1 जनवरी 2005 से। अब इसमें परेशानी क्या है अपने देश में, कि अपने देश में पहले से नियम कानून बने हुए हैं। मैंने आपसे कहा ना, इंटरनल जो ट्रेड है, देश के अंदर का जो व्यापार है, उसके तो नियम कानून बने हुए हैं पहले से। अब हम इसके हिसाब से माने, जो बने हैं उनको हटाएं, जो नियम हमने बना रखे हैं उनको हटाएं, और इसमें जो नियम बने हुए हैं उनको कानून बनाएं, ये है सारी एक्सरसाइज। तो भारत में पिछले 10 सालों से जितनी भी सरकारें आई हैं, नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर और आज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक, सब यही सरकारें करती रही हैं कि इसके कानूनों को लागू करने का काम, मानने का काम, थोड़ा थोड़ा शुरू किया। अब इसमें नियम कैसे हैं, कानून कैसे हैं, कुछ कुछ उदाहरण से बताता हूं। मैंने इसमें फ्लैप लगाए थे, पता नहीं सब निकल गए। एक मैं चैप्टर ले लेता हूं, चैप्टर नंबर शायद 27 है जहां तक मुझे याद है, चैप्टर नंबर 27 है, उसको मैं आपके सामने बात करता हूं। ये जो 27 चैप्टर है, और ऐसे ही एक 28 है, फिर एक 26 है, फिर एक 24 है, ऐसे कुछ कुछ हैं। अब ये जो चैप्टर है अलग अलग, वो किसके हैं, अब मैं एक पहले माफ करिए, मैं आपको पहले सबसे जरूरी जो मुझे लगता है, चैप्टर नंबर 12 पे बात करता हूं। ये एग्रीकल्चर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर L31, उसमें एक प्रोविजन है, वो जो बार बार मैं कहता हूं ना, उसमें है डोमेस्टिक सपोर्ट करके उसका टाइटल है, डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट का माने घरेलू मदद, घरेलू मदद का माने हमारे देश के किसान जो कुछ भी खेती में कर रहे हैं उनको मदद जो दी जाती है सरकार की तरफ से, उसको डोमेस्टिक सपोर्ट कहते हैं, किसान जो कुछ भी करते हैं। अब क्या देती है सरकार मदद किसानों को, वैसे तो कुछ मदद वदद देती नहीं, लेकिन जो तथाकथित मदद देती है वो क्या है, तो इसमें कहा गया है दो तरह की मदद है। एक तो मदद ये है कि भारत सरकार हर साल
कोई भी वस्तु का जो खेती से पैदा होती है उसका प्राइस फिक्स कर देती है। जैसे कॉटन पैदा हुआ, कपास पैदा हुआ, उन्होंने दाम तय कर दिया कि 2000 रुपए क्विंटल बिकेगा। चावल पैदा हुआ तो उन्होंने दाम तय कर दिया 550 रुपए क्विंटल बिकेगा। गेहूं पैदा हुआ तो उन्होंने तय कर दिया कि मान लो 600 रुपए क्विंटल बिकेगा। कुछ भी पैदा हुआ खेती से दाम फिक्स हो गया। ये एक तरह का सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? ये ऐसा सपोर्ट है कि मान लो सरकार ने दाम तय कर दिया 2000 रुपए क्विंटल कपास का और बाजार में भाव है 1500 रुपए क्विंटल कपास का। तो ये जो 2000 रुपए क्विंटल कपास का भाव है तो ये तय ये हो गया। इसका अर्थ है कि किसान से कपास जब खरीदा जाएगा तो 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी, भले बाजार में 1500 रुपए क्विंटल भाव है या 1200 रुपए या 1000 रुपए या हो सकता है जीरो हो, फोकट में हो, कपास मिलती हो, लेकिन सरकार खरीदेगी 2000 रुपए क्विंटल। ये एक तरह का सपोर्ट है। दूसरे तरह का सपोर्ट क्या होता है, वो आपने सुना होगा, सब्सिडी है। तो सब्सिडी माने खाद कुछ कम कीमत का मिल रहा है, बीज कुछ कम कीमत का मिल रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो डोमेस्टिक सपोर्ट वो होता है। तो ये प्रोविजन क्या कहता है? ये प्रोविजन जो है बहुत लंबा प्रोविजन है, करीब करीब आधे पन्ने का है। मैं आपको वैसे ही उसको पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप उसका जरा देखना जलेबी कैसी है इसमें, थोड़ी भी अंग्रेजी अगर आप जानते। इक्विवेलेंट कमिटमेंट शैल बी अंडरटेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वेयर मार्केट प्राइस सपोर्ट इज डिफाइंड इन एनेक्सर 5। अब देखिए आ गया एक रेफरेंस, एनेक्सर 5। अब एनेक्सर 5 इतना ही मोटा एक है, वो रखा है मेरे पास, वो मैं लाया नहीं आपको क्योंकि डर लगेगा आपको, इतना सब साथ में लाता। अब एक ही वाक्य में देखिए आ गया, इक्विवेलेंट कमिटमेंट शैल बी अंडरटेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वेयर मार्केट प्राइस सपोर्ट as defined in annexure 5 exist, but for which calculation of this component of the AMS is not practicable। अब ये अगर इतना सा वाक्य आपको समझना है तो annexure 5 पढ़िए। अब annexure 5 में इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। AMS aggregate measure for support, ऐसा करके AMS। अब AMS का मतलब सीधा सीधा सा ये है, ये तो जलेबी घुमा घुमा के है, सीधा सा मतलब ये है, मार्केट के लिए फिक्स कर दिया आपने कि 2000 रुपए क्विंटल कपास बिकेगा, 550 रुपए क्विंटल गेहूं बिकेगा, ये इतने क्विंटल, ये इतने क्विंटल, ये AMS होता है। अब वो गेट अग्रीमेंट क्या कह रहा है? गेट अग्रीमेंट में ये कहा जा रहा है कि आप इसको खत्म करिए AMS को, माने आप सरकार की ओर से प्राइस फिक्स करना बंद करिए। क्या होगा? मार्केट फिक्स करेगा, आप मत करिए। माने सरकार ये जो कहती है कि कपास इस साल 2000 रुपए क्विंटल बिकेगा, तो ये सरकार तय नहीं करेगी, बाजार में तय होगा कि कपास 2000 रुपए क्विंटल बिकेगा या 500 रुपए क्विंटल बिकेगा। तो ये एक प्रोविजन लगते ही क्या होने वाला है? ये एक प्रोविजन लगते ही होने वाला है कि राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार ये जो घोषणा करती है मूल्य की, ये बंद करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें लास्ट में एक वाक्य में उन्होंने कहा है कि आप फेज वाइज कम करिए इसको, एक साथ नहीं कर सकते तो फेज वाइज कर। ऐसे कैसे फेज वाइज? एक साल कपास का बंद कर दीजिए, अगले साल चावल का बंद कर दीजिए, अगले साल इसका बंद कर दीजिए, इसका बंद कर दीजिए, इसका बंद कर दीजिए, ठीक है? अब तो ये हो गया। इसी के नेक्स्ट में आपको एक दूसरा प्रोविजन सुनाता हूं, इसी चैप्टर का पेज नंबर L33 का, मार्केट एक्सेस करके। अब वो क्या प्रोविजन है? वो प्रोविजन ये है कि आपके देश में और दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों में बाहर से जो सामान आता है खेती का, उस पर बहुत तरह की पाबंदी है। बाहर से चावल ज्यादा नहीं आ सकता, गेहूं ज्यादा नहीं आ सकता, चीनी ज्यादा नहीं आ सकती, वगैरह वगैरह, उस पर पाबंदी। पाबंदी क्यों है? वो इसलिए है कि आपके देश का माल पहले बिकना चाहिए, नहीं तो बाहर वाला सब आ गया तो सब वही बिकेगा, आपका तो बिकेगा नहीं, और किसान हमारा कितना गरीब है वो आप जान। तो इस तरह की पाबंदी है। तो नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपने ये जो बैरियर्स लगाए हैं, ट्रेड बैरियर्स, इनको हटा दीजिए। एक तरफ क्या करना है, जो आप डोमेस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं वो विड्रॉ कर लीजिए किसान को। दूसरी तरफ क्या है, बाहर से आने वाले खेती के सामानों पर जो पाबंदी लगी हुई है वो हटा लीजिए।
माने बाहर से कोई भी सामान आने दीजिए, गेहूं आने दीजिए, चावल आने दीजिए, चना आने दीजिए, मटर आने दीजिए, दूध आने दीजिए, दही आने दीजिए, शक्कर आने दीजिए, पानी आने दीजिए, मक्खन आने दीजिए, जो कुछ भी खेती से पैदा होता है, मांस मांस भी वहां इसी में माना जाता है, इंक्लूड होता है, मांस आने दीजिए वगैरह वगैरह सब कुछ जो भी। तो वो कॉमोडिटीज इसमें दिया है, करीब 850-900 कॉमोडिटीज हैं, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, घी, दूध, मक्खन, दही वगैरह वगैरह, मिठाई, ये सब। तो अब इसको दोनों को मिला के देखिए, अब एक प्रोविजन मैंने पहले पढ़ा, एक ये अभी पढ़ा। पहला प्रोविजन क्या कहता है कि देश के अंदर जो आप सपोर्ट दे रहे हैं किसानों को वो खत्म करिए। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि बाहर से जो खेती के सामान आते हैं उनके लिए दरवाजा पूरा खोल दीजिए। अब क्या होगा, दोनों को मिला के देखिए। आपने देश में किसानों को सपोर्ट प्राइस देना बंद किया, माने आपने ये कहा कि अब कॉटन का भाव 2000 रुपए क्विंटल नहीं होगा, मार्केट में अगर 1500 रुपए क्विंटल है तो किसान को उसी पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ आपने बाहर से कपास आने के लिए दरवाजा खोल दिया, तो बाहर का कपास आ गया, तो बाहर का कपास आके क्या करेगा, आपके कपास के भाव को गिराएगा। अगर बाहर से कपास भरकर आ रहा है और जहाज चल गया है, इतनी अफवाह ही बाजार में दाम को गिरा देती है, तो एक्चुअल कपास आ गया तो क्या होगा, सोचिए। आपने सुना था वो, ये सट्टेबाजारी चलती है, ये तो अफवाह पे चलती है ना, रियलिटी में कुछ नहीं होता। एक तेजड़िया है, एक मंदड़िया है, उस दिन आपको बताया गया, सटोरिये दो तरह के होते हैं, एक तेजड़ी एक मंदड़ी। तो अब वो क्या खेल में लगे हुए हैं, वो ये खेल में लगे हुए हैं कि किसी ने आपस में सट्टेबाजी में कर लिया कि भाई आने वाले 15 दिन में कपास का भाव क्या होगा, तो एक कहता 2000 रुपए क्विंटल, दूसरा कहता 2500 रुपए क्विंटल, तो वो कहते चल भाई लग गई मेरी तेरी, तो दोनों की हो गई शर्त। अब दोनों ने अपने अपने स्तर पे अफवाह फैलाना शुरू किया, तो जिसको 2000 रुपए क्विंटल भाव लाना है कपास का, वो क्या खबर फैलाएगा, वो ये खबर फैलाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का कपास, न्यूजीलैंड का कपास, सब देश का कपास भारत में आ रहा है और जहाज पे लद गया है और चल गया है, तो यहां मार्केट में हड़कंप हुआ, धड़ाधड़ भाव गिरना शुरू हो गया, ठीक है। कपास आया नहीं है, भाव गिरा दिया उन्होंने और अपना लेन देन कर लिया। दूसरी तरफ है एक सटोरिया, वो क्या अफवाह फैलाएगा, वो फैलाएगा कि वो जहाज चला तो था लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग वाग लग गई, अब वो पहुंचने वाला नहीं है, तो फिर कपास का भाव बढ़ गया। सटोरिया यही करते हैं, शेयर बाजार में भी यही होता है। तो ये जो सट्टा बाजार है, ये जो शेयर बाजार है, वहां अगर आप कल्पना करो कि अफवाह मात्र फैलाने से कपास का भाव चढ़ता गिरता है, तो एक्चुअल कपास अगर आ गया तो क्या होगा। अभी तो आया कुछ नहीं है, एक ने खबर बना दिया कि एक जहाज लेके चल चुका है, दूसरे ने कह दिया कि नहीं वो तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गई, अब वो पहुंचेगा नहीं, तो आप घूम गए उतने में। अब ये एक्चुअल कपास लदा हुआ जहाज आ जाएगा 2001 के बाद, तो कपास के रेट में क्या अंतर आएगा। हो सकता है आपकी सरकार तो एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट नहीं देगी, तो वो ये कहेंगे कि भाई मार्केट में तो कपास अब ज्यादा हो गया है, डिमांड कुछ कम हो गई है। थ्योरीज तो वही है ना, डिमांड सप्लाई की, डिमांड ज्यादा हो गई है, वो सॉरी डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो अब तो भाव गिरना है। तो लास्ट ईयर अगर कपास 2000 रुपए क्विंटल बेचा, तो अगले साल हो सकता है 2005 में 1000 रुपए क्विंटल बिके, 900 रुपए क्विंटल बिके, 1200 रुपए क्विंटल, तो मर गया किसान तो जिसने कपास लगाया था। और ये तो एक कपास का हुआ, मान लो गेहूं में यही हो गया, चावल में यही हो गया, चने में यही हो गया, मटर में यही हो गया, दूध में हो गया कि डेनमार्क से दूध आ गया और आपके देश में दूध की उपलब्धता बहुत हो गई, तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, दूध का भाव गिर गया। तो अब इसमें दो तरह के क्लास खड़े हो जाएंगे अपने ही देश में, देखिए संघर्ष होगा। कैसा संघर्ष होगा, एक क्लास वो होगा जिसके पास खाने पीने को बहुत कम है, वो कहेगा आने दो ना, सस्ता आता है तो आने दो, हमको तो मिलता है ना, 12 रुपए लीटर दूध हम नहीं पी सकते थे, अब ये 4 रुपए लीटर आ रहा है तो पी तो लेंगे कम से कम, ठीक है। तो एक क्लास ये खड़ा हो गया, और दूसरा कौन सा, वो मर गया किसान, वो खड़ा हो गया कि मुझको तो भाव नहीं मिलता दूध का। तो आपके ही देश के दो वर्ग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, अब देश में ही संघर्ष शुरू हो गया और खेलने वाले अपना खेल खेल रहे। होगा कि नहीं होगा, आप
आपको लोग बात करते हैं कि नहीं चीन से सस्ता माल आता, आप काय को स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाते हैं, हमको तो लेने दीजिए ना, हमको तो ये मिलता ही नहीं था अब तक, दूध की हमने शक्ल नहीं देखी थी, 4 रुपए लीटर का दूध अगर आ जाता है तो आप क्यों रोकते हैं उस दूध को, आने दीजिए, फ्री ट्रेड होने दीजिए, लिबरलाइजेशन होने दीजिए, गेट एग्रीमेंट लागू होने दीजिए, प्रश्न सबसे बाद में करना, हाँ हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब ही उसमें आ जाए। तो ये जो बात आ गई, अब कपास आ गया, कपास ने भाव गिरा दिया, भाव गिरा तो एक देश का क्लास है जिसको कपास के कपड़े बड़े महंगे पड़ते रहे हैं, वो तो ये तर्क देने लगेगा कि भाई सस्ता कपास आता है, भले ऑस्ट्रेलिया से आए या अमेरिका से आए, न्यूजीलैंड से आए या चाइना से आए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझको सस्ता चाहिए क्योंकि मेरी परचेजिंग कैपेसिटी कम है। तो उन्होंने क्या किया कि आपके देश में अपना एक सपोर्टर वर्ग खड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग उनका आ गया, माने आपके ही घर में आपका दुश्मन पैदा कर दिया उन्होंने, अब लड़िए आप उससे, उसके तर्कों को शांत करिए, आधे से ज्यादा एनर्जी आपकी उसी में चली जाएगी और वो कपास ववास बेच के अपना धंधा करके यहां से निकल लेंगे, आप लड़ते रहिए आपस में। अब एक कपास में ये होगा तो 840 आइटम है, मैंने आपसे कहा गेहूं है, चावल है, चना है, मटर है, दाल है, उड़द है, उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, इसकी दाल है, फलाने की दाल है, ये सब आएगा क्योंकि बैरियर आपने हटा दिया। तो ये मात्र दो प्रोविजन मैंने आपको अभी पढ़े हैं गेट एग्रीमेंट, उसका असर समझ में आ रहा है। एक असर तो ये होगा कि आपके देश के किसान को जब सपोर्ट प्राइस नहीं होगा तो उसको बाजार में भाव कम हुआ, दूसरी तरफ बाहर से जो सस्ता सामान आ गया, और बाहर से सस्ता क्यों आता वो भी समझ लीजिए, अमेरिका में इस समय किसानों को 380% सब्सिडी है डायरेक्ट, 380 से 400% रहती है, अमेरिका का जो बजट है ना उस बजट का 25% सब्सिडी में जाता है, लगभग 20 से 25%। अब 400 अरब डॉलर की रकम आप जोड़ लें, अगर रुपए में अगर आप उसको करें, 1 अरब में 100 करोड़ होता है, तो 400 × 100 करोड़ 40,000 करोड़ डॉलर। अब 40,000 करोड़ डॉलर को रुपए में बदल लें, 45 का गुणा कर लें, 50 का कर लें, माने इतने लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है और उस वो सीधे उत्पादन पे मिलती है, माने आपकी उत्पादन कीमत कुछ भी हो सरकार आपको कम कीमत पर बेचने के लिए प्रेरित करती है, बाकी भरपाई सरकार कर देती है। सरकार कहेगी कि आपका गेहूं पैदा हो, मान लो कपास पैदा हो रहा 1,000 रुपए क्विंटल, ऐसी कल्पना, अमेरिका की सरकार कहेगी कि आप दे दो 400 रुपए क्विंटल में मार्केट में, 600 रुपए क्विंटल का जो घाटा है वो हमसे ले लो आप, तो वो देते हैं डायरेक्ट सब्सिडी 400% तक देते हैं। तो उनकी इतनी ज्यादा सब्सिडी होने से माल सस्ता है उनका, उत्पादन कीमत उनके यहां कम नहीं है अमेरिका में, दूध के 1 लीटर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस समय अमेरिका में है वो भारत से 3 गुना ज्यादा है, 1 लीटर दूध पैदा करने में भारत में 8-8.5 रुपए खर्च होता है, अमेरिका में इस समय 30-32 रुपए खर्च होता है, लेकिन दूध पर 400% सब्सिडी होने के कारण वो आपके दूध से सस्ता है। डेनमार्क में भी 1 लीटर दूध पैदा करने की जो कीमत है वो 150 रुपए से ऊपर है, लेकिन सब्सिडी ज्यादा होने के कारण वो बहुत सस्ता है, 1.5-2 रुपए लीटर में है। तो उन्होंने दे रखी है सब्सिडी, अब उनके सब्सिडी पाया हुआ कोई भी खेती का माल आपके बाजार में आएगा तो निश्चित रूप से आपके माल से सस्ता है, सस्ता है तो उसकी डिमांड हो गई, आपके माल की डिमांड खत्म, तो किसान तो मर गया बेचारा। अब क्या होगा इसका दुष्प्रभाव, इसका यह होगा कि मान लो एक साल कपास का भाव गिरा, अगले साल दूध का गिरा, अगले साल किसी और चीज का गिरा, फिर किसी और चीज का गिरा, तो भाव गिरते गिरते किसान फिर क्या करेगा, कहेगा खेती तो घाटे का सौदा, वैसे भी कोई फायदा ज्यादा नहीं है इस समय खेती में, लेकिन और भाव गिरेगा तो कहेगा ये तो बेकार है, तो चलो खेती बंद करो, बेचो खेत, खेत बेचो। तो इसी में अगला प्रोविजन है, फिर ये बहुत सिस्टमेटिक है पूरा। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि कोई भी विदेशी कंपनी आती है, पेज नंबर L35 पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के रूप में लिखा हुआ है, कोई भी विदेशी कंपनी आए तो उसको खेत खरीदने की छूट दो, अब तक ये नहीं है हमारे देश में। अब तक विदेशी कंपनी आती है तो लीज वीज पे जमीन तो ले सकती है, खरीद नहीं सकती, मिल्कियत तो उसकी नहीं हो सकती, लेकिन वेट करार की शर्त है कि आप ऐसा करो, तो हमारी सरकार अब वो भी मान लेगी 2005 में। तो आपने जब ये परमिशन दे दिया कि वो जमीन खरीद लें
और इधर आपने परिस्थिति बना दी कि किसान जमीन बेचना शुरू कर दें, तो अंतिम परिणाम क्या? अंतिम परिणाम ये कि अगर मान लीजिए किसान है, एक आध करोड़ किसानों ने जमीन बेच दिया चार पांच साल में, वो जमीन विदेशी कंपनियों के हाथ में गई, अब वो बनाएंगे बड़े बड़े फार्म 50,000 एकड़ का, 1,00,000 एकड़ का, 2,00,000, क्योंकि वैसे ही फार्म है अमेरिका और यूरोप में। छोटे 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 फार्म है तो 10,000 एकड़ के, 15,000 एकड़ के, यहां तो 10 बीघे की बात होती है, 15 बीघे की बात होती है, वहां 1,00,000 एकड़ की बात होती है। एक एक किसान के पास 1,00,000 एकड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसान बहुत कम है अमेरिका में। टोटल पॉपुलेशन अमेरिका का जितना है उसमें मात्र 1.5 से 2 करोड़ ही किसान है, पूरी जमीन उन्हीं के हाथ में है, 4% लगभग, और वो कॉरपोरेशन के रूप में भी है। तो अब उन्होंने ये देखिए तीन प्रोविजन लाए आपके देश में, एक तो ये कि बाहर से आने वाले माल पे पाबंदी हटाओ, दूसरा प्रोविजन ये लाया कि आप डोमेस्टिक सपोर्ट बंद करो, तीसरा लाया कि आप भारत में किसी भी विदेशी कंपनी को जमीन खरीदने की परमिशन दो। इन तीनों का दुष्परिणाम क्या हुआ? 10 साल में भारत की सारी खेती विदेशी कंपनियों के हाथ में गई। अब क्या होगा? आपके जितने मालिक हैं खेत के वो उनके यहां मजदूरी करने पहुंच गए। तो अंतिम परिणाम ये निकला कि आज तक जो व्यक्ति खेत का मालिक था वो कल किसी विदेशी कंपनी में मजदूर हो गया। वो आपको थोड़ा ये कहेंगे, अच्छा जी हम तो सेवाग्राम की जमीन ले रहे हैं, मान लो 10,000 एकड़ ये ले रहे हैं, ले लिया उन्होंने, अब ये सब चिल्लाएंगे ये मजदूर बेकार, वो कहेंगे ठीक है नौकरी दे देंगे सबको, आ जाओ, तो आप लाइन लगा के खड़े हो गए उनके यहां। आज खेत के आप मालिक थे, कल उनके यहां आप नौकर बन के खड़े हो गए, तो रिश्ता बदल गया ना आपका। जब तक आप मालिक थे तब तक आपकी हैसियत है, इज्जत है, सम्मान है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, अब तो आप किसी कंपनी के नौकर हो गए। यही हो रहा है हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से। कोई विदेशी कंपनी आती है, कहीं की जमीन खरीदती है, वो जमीन जिन लोगों की होती है उनको वायदा करती है कि हम तुमको नौकर बना लेंगे। हमारे देश के आदिवासी वनवासी या हमारे देश के किसान जमीन बेचते हैं, फिर उसी कंपनी में जाके नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी टेम्परेरी है, परमानेंट कभी नहीं करते वो किसी को। आज चाहे आज निकाल दें, कल चाहे कल निकाल दें, यूनियन आप बना नहीं सकते उनके यहां, अपने हितों की डिमांड आप कर नहीं सकते। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या साधारण खलासी, दोनों के सिर पे तलवार हर दिन सवेरे लटकती रहती है कि मालिक ने बुला के कहीं नोटिस दे दिया कि कल से काम पे नहीं आना तो नहीं आना, बात खत्म हो गई। अब आप ना कहीं अदालत में जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट। अब आप सोचिए कि ये तीन छोटे से प्रोविजन मैंने पढ़कर सुनाए हैं खेती के, ऐसे इसमें 57 प्रोविजन है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मैंने तीन सुनाए हैं आप, तीन का ये असर है, बाकी का क्या होगा? ऐसे ही एक चैप्टर का मैं सुनाता हूं जिसपे अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो पेटेंट वेटेंट का झगड़ा है ना, इसके बारे में जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करता हूं। अच्छा, ये इतना सा मैंने बोला, अब इसमें प्रश्नों तो पूछ लो ताकि ये क्लियर होता जाए। हैं 2005 के बाद अभी भी वैसे लीज पे लेने का अधिकार तो अभी भी है, और छोटे मोटे स्तर पे तो खरीदना शुरू किया ही है, कुछ कुछ राज्य सरकारों ने उनको परमिशन देना भी शुरू किया है, लेकिन 2005 एक जनवरी के बाद पूरे देश में ये होगा। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, वो खत्म हो गया है 2005 से, वो बिल्कुल निष्प्रभावी होगा सीलिंग एक्ट, क्योंकि वो सीलिंग एक्ट हटाने के लिए, हटाने के बाद ही ये प्रोविजन लागू होगा, तो सीलिंग एक्ट में चेंज किया जाएगा, और वो चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में बिल आ गया है ऑलरेडी। लैंड सीलिंग एक्ट को भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है वो चेंज करने जा रही है, शायद ये सेशन में नहीं तो नेक्स्ट सेशन में पारित हो जाएगा। तो वो जो पारित होगा एक्ट वो यही है जिसको मैंने आपको पढ़ के सुना है। हाँ, अभी ये प्रश्न पे मैं थोड़ा अंत में आऊंगा कि ये अमेरिका पे लागू होगा कि नहीं। इसके अलावा ये पूछिए, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर मैंने बोला आपको खेती वाला,
वो ऐसे अफोर्ड करते हैं, वो आप उस दिन थी नहीं जिस दिन पूंजी वाला खेल हुआ था यहां, वो पूंजी जो उनके यहां बनती है वो कैसे बनती है वो आपने थोड़ा तो समझा ही है। जो पूंजी उनके पास हमेशा सरप्लस है क्योंकि उनका सिस्टम इस तरह का है, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट में से प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में से प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को फिर इन्वेस्ट किया, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर और प्रॉफिट आया, फिर और इन्वेस्ट किया और प्रोडक्शन, इस तरह से पूंजी बनती चली जाती है। एक दूसरा, सट्टा बाजार में बहुत होती है। मैंने आपसे कहा ये तेजड़िए मंदड़िए, ये बहुत बड़े, सबसे बड़ा सट्टा बाजार तो अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में, और उससे उसी के अधीन सारे दुनिया के सट्टा बाजार काम करते हैं। तो उन्होंने सब सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो वहां सट्टे में से पूंजी बहुत आती है। सट्टे में से कैसे आई, मैंने कहा कि ना तो कहीं कपास है और ना कहीं जहाज है। आपने समझ लिया ना, एक आदमी ने कहा कि कपास भरा जहाज चला है अमेरिका से और भारत पहुंचेगा 15 दिन में। अभी कहीं जहाज नहीं है, कहीं कपास नहीं है, रियलिटी में कहीं कुछ नहीं है, एक होक्स है, झूठा है पूरा। तो उसने बना। अब दूसरा कहता है जी वो तो बीच में ही जल के खत्म हो गया, वो उससे भी बड़ा झूठा। अब इन दोनों ने आपस में सौदा कर लिया, सौदा कर लिया तो न कहीं कपास था न जहाज था, लेकिन पूंजी तो बना ली सौदे में। ये पूंजी अमेरिका में सबसे ज्यादा है, और अमेरिका में तो आप जानते हैं सट्टा क्या क्या चीज में लगता है। कल राष्ट्रपति मर जाएगा, एक कहेगा नहीं परसों मरेगा, लग गया सट्टा। आपको मालूम है ये प्रेसिडेंट आज मरेगा, एक ने लगा दिया, वो कहा नहीं 24 घंटे बाद मर जाएगा, कोई कहेगा नहीं 36 घंटे बाद, तो लगा लो भाई, मरेगा तो इतना, जिएगा तो इतना, ये तो इतना, वो तो इतना। तो ना तो राष्ट्रपति मरने जा रहा है और ना राष्ट्रपति मरा है, घटना कहीं घटित नहीं हुई है, लेकिन पूंजी बन गई सट्टे में। अभी ये सट्टा अमेरिका में बहुत होता है कि अगले एक हफ्ते में टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, ये हुआ ना 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। तो ये 2001 का अटैक जो हुआ, इसने अमेरिका के सट्टा बाजार को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। अभी हर दिन यही सट्टा लगता है, 24 घंटे में एक और अटैक होने वाला है अलकायदा का, वो कहेगा नहीं नहीं 4 दिन बाद हो जाएगा अलकायदा का। और आप जानते हैं अमरीका में इसको बाकायदा सेंक्शन है, ऑफिशियल सेंक्शन है, सरकार इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट यह सट्टा खिलाता है और उसमें से टैक्स लेता रहता है। भाई आपने सट्टा बाजार में कमाई की, अब इतना टैक्स, उनको टैक्स से लेना देना है। अफवाह फैलती है, फैले दुनिया में, और उन्हीं अफवाहों पे अपना शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, रियलिटी में कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन आज शेयर बाजार अचानक बहुत चढ़ गया और कल अचानक से बहुत गिर गया, आपकी इकोनॉमी में न तो कोई गिरावट आ गई एक दिन में, न कोई बहुत ऊंचाई आ गई, लेकिन बाजार इतना ऊपर नीचे चढ़ता, ये तो अफवाह पे ही चलता है ना। तो वो तो अफवाह फैला के ही पूंजी बनाते रहते, और जो कुछ हमको बेचते हैं वो लाखों गुना महंगा। ऐसे समझ लो, अमेरिका ने हमसे खरीदा आयरन ओर, और मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता रहा हूं, ये भारत से आयरन ओर अमेरिका जा रहा है 15 पैसे किलो, 15 पैसे किलो यहां से आयरन ओर जाता है, और हिंदुस्तान में 3-4 जगह से जा रहा है। ये तो जा रहा है सबसे ज्यादा गोवा से जा रहा है, फिर ये बेलाडीला का, ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ वाले बैठे हैं, जापान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है 15 पैसे किलो। मैंने सब उनसे कैलकुलेशन करा लिया रेट, 15 पैसे किलो जा रहा है, उसी से हवाई जहाज बन रहा है, और एक हवाई जहाज आ रहा है 400 करोड़ का या 600 करोड़ का, 600 करोड़ का मान लो, हवाई जहाज का टोटल वेट निकाल लो आप, 600 करोड़ से भाग दे लो उसका, तो 1 किलो लोहे की कीमत क्या पड़ती है, आपका दिमाग काम नहीं करे। हमसे लोहे का कच्चा माल ले लिया 15 पैसे किलो में, हमको हवाई जहाज दे दिया 600 करोड़ का, एक हवाई जहाज मान लो 500 टन का हो, और हिसाब जोड़ लो आप, 500 टन 700 टन के आसपास होते हैं हवाई जहाज, कार्गो है तो 1000 टन का, इससे ज्यादा नहीं, तो आप मान लो 1000 टन का है, 600 करोड़ का आपने खरीद लिया, 600 टन मान लो, तो 600 करोड़ में कैसे, सब तो ज्यादातर लोहे से ही बने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप टोटल मान लो कि ये लोहे से ही है, मशीन है, मशीन में मैक्सिमम तो लोहा ही लगता है ना, और क्या है,
आइए पेंटन टैंक गिन लो। हमने उनसे हमारी आर्मी के लिए टैंक इंपोर्ट किया, ठीक है, उसका गिन लो आप, तो वो भी आपको पता चलेगा कि एक किलो, हाँ हाँ मान लो 1 करोड़ रुपए किलो का मान लो, तो 1 करोड़ रुपए में आपने किलो खरीदा और 15 पैसे किलो में बेचा, पूंजी बनी कि नहीं बनी? तो इस तरह से उनके पास सरप्लस पूंजी बनती है। दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं उनसे कच्चा माल हमेशा कौड़ी के भाव में खरीदना और उनको पक्का माल बहुत अधिक कीमत पे बेचना, ये खेल वो खेल रहे हैं पिछले 250-300 साल से। इसी के लिए उन्होंने कॉलोनाइजेशन वगैरह किया था सब जगह जाके, और इस खेल में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है एक्सचेंज रेट। तो आपका रुपया लगातार नीचे गिराना है, डॉलर को लगातार ऊपर बढ़ाना है, वो इसी खेल के लिए कि आपका रुपया जितना कम होगा एक्सपोर्ट आपका उतना चीप होगा, उनका डॉलर जितना महंगा होगा इंपोर्ट आपका उतना ही कॉस्टलियर होगा। तो खरीदेंगे महंगा और बेचेंगे सस्ता, ये धंधे में हम पड़े हैं, इसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। और अरुण जेटली कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छा धंधा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और परसों उसने कह दिया कि जितना इंपोर्ट बढ़ेगा देश का विकास और होने वाला है इस पे। तो इस तरह से पूंजी उनके पास आती है सरप्लस, एक तो अपने देश के लोगों से लिया हुआ टैक्स, दूसरा उनका किया हुआ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट जो है बहुत अधिक कीमत पर अमेरिका से जो किया जा रहा है, और इंपोर्ट जो कर रहे हैं बहुत सस्ता, उसमें से पूंजी उनके पास बहुत अतः है। और पहले पूंजी आती थी लूट करके, भारत को लूट लिया, अफ्रीका को लूट लिया, इनको लूट लिया, उनको लूट लिया, तो लूटी हुई पूंजी उनके पास है पहले से, फिर ये पूंजी और बन, तो पूंजी ही पूंजी है उनके पास, पैसा ही पैसा है, अथाह पैसा है। अभी उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो वो सब्सिडी देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो सब्सिडी इतना ज्यादा इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल सरप्लस है, वो सरप्लस होने के कारण ज्यादा सब्सिडी देकर सस्ता माल वो बनाकर आपके देश में बेचें, और आपकी सरकार डोमेस्टिक सपोर्ट भी खत्म कर दे किसानों का, और ऊपर से जमीन खरीदने की उनको परमिशन दे दे, सब खत्म। एक दूसरा इसी में एक प्रोविजन है जो मैं भूल गया, ये एग्रीकल्चर टैक्स में वो प्रोविजन ये है कि हम जो इंपोर्ट करेंगे वो कंपलसरी है बाहर से, खेती का चावल है, चना है, मटर है, दाल है, उसका एक प्रोविजन है, वो मैं भूल गया, वही चैप्टर है और उसका प्रोविजन शायद नेक्स्ट ही प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये, हाँ L36 है ना, तो L37 है वो, L37 ये कहता है कि आपने, हाँ ये आ गया L30, वो ये कहता है कि आप जो कुछ खाते पीते हैं उसका 8% इंपोर्ट करिए, जितना खाते पीते हैं, जितना आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका कम से कम 8% इंपोर्ट करिए मिनिमम पहले साल में। ऐसे समझिए हम 1 करोड़ टन गेहूं खाते हैं तो 8 लाख टन विदेश से खरीदिए, 1 करोड़ टन चावल खाते हैं तो 8 लाख टन विदेश से खरीदिए, 1 करोड़ टन चीनी खाते हैं तो 8 लाख टन विदेश से खरीदिए। हाँ जरूरत नहीं है हमें, हमारे यहां चीनी तो सरप्लस ही है इस समय, गेहूं भी सरप्लस ही है, आप जानते हैं समुद्र में फेंकना पड़ रहा है, चीनी को बर्बाद करना पड़ रहा है, दूध भी अभी सरप्लस हो गया है, तो बहुत सारी चीजें सरप्लस हैं, जरूरत से ज्यादा, फिर भी आप इंपोर्ट करिए। अब आपके पास पहले से सरप्लस है और इंपोर्ट करेंगे तो भाव तो और गिरने वाला है, और आपको डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है कुछ भी किसानों को, तो होने वाला यह है कि ये 3-4 प्रोविजन खेती वाले चैप्टर के ही पूरे किसान का सत्यानाश कर डालेंगे 10 साल में या 15 साल। फिर क्या होगा, किसान वही रह पाएगा जो बहुत पैसे वाला हो या बहुत जमीन जिसके पास हो, छोटा किसान जो 5 बीघे का है, 2 बीघे का है, 3 बीघे का, उसके लिए खत्म। और ये जो सपोर्ट खत्म होने का मतलब है यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट सबके प्राइस बढ़ जाना, बीज का भाव बढ़ जाना, कीटनाशक दवाओं का भाव बढ़ जाना, डोमेस्टिक सपोर्ट से उनको कम रखा जाता है लेकिन ये सब भाव बढ़ना, अभी भी बीज का भाव, पपैया का बीज अभी मैंने पूछा 70,000 रुपए किलो तो आज है, पपैया का बीज आज मार्केट में 70,000 रुपीज पर केजी है, 2005 के बाद आप इमेजिन करिए क्या होगा, अभी तो ये है जबकि पूरा गेट लागू नहीं है, 2005 के बाद हो सकता है 1.5 लाख रुपए किलो हो जाए। अब कितने किसानों में दम है कि पपैया का बीज खरीद के खेती करें, तो फिर क्या होगा, जो अमीर किसान होगा वो तो कर लेगा महंगे से महंगा खरीद, साधारण गरीब किसान के तो बस का नहीं।
तो इसमें होगा क्या, ये तीन ही प्रोविजन की अगर हम चर्चा करें और कंक्लूड करें इस चैप्टर को, क्योंकि एक चैप्टर में ज्यादा समय नहीं लगा सकते, तो ये होगा कि छोटे छोटे सब किसान बाजार से चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको आप मजदूर बना देंगे। अच्छा, ये मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता था। ये जो उस दिन रविन्द्र शर्मा आए थे ना, इनके पास मैं पिछले 10 साल से जाता रहता हूं, हमारी उनकी दोस्ती है, उनके आश्रम में कभी कभी जाता हूं, उनके यहां किसान विसान आते हैं, मजदूर आते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ही उनके आश्रम में बैठा हुआ था तो एक तेलुगु किसान आ गया कुछ उससे बात करने, तो मैंने भी उससे बात किया, थोड़ा थोड़ा तेलुगु मैं समझता हूं, थोड़ा वो हिंदी समझता है, तो हमारी उनकी आपस में चर्चा शुरू हुई। तो मैंने कहा क्या करते हैं, तो कहने लगा पहले तो खेती करते थे, अब जमींदार के खेत में मजदूरी करते हैं। पहले तो खेती करते थे, अब हम जमींदार के खेत में मजदूरी करते हैं। मैंने पूछा वो कैसे हो गया, आप जब पहले खेती करते थे माने खेत के मालिक थे, अब आप नौकर हैं किसी जमींदार के खेत में, ये कैसे हो गया? तो उसने बहुत सरल भाषा में पूरा समझा दिया मुझे। उसने कहा कि ये जब से यूरिया आ गया हम सब मजदूर हो गए, यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने फिर उसको पूछा इसका अर्थ क्या हुआ। उसने कहा जब से यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट आ गया हमारी खेती की लागत बढ़ गई, लागत बढ़ गई तो हमारे लिए खेती करना मुश्किल हो गया, तो हमने सोचा कि खेत बेचो और किसी जमींदार के यहां मजदूरी करना शुरू कर दो। मैंने पूछा पहले खेती कैसे करते थे, तो उसने कहा जमींदार के खेत में हिस्सेदारी थी हमारी। अब आप देखिए बात क्या हो रही है, जमींदार के खेत में हिस्सेदारी थी, हिस्सेदारी तो आप समझते ही हैं, मेरे पास 10 बीघा खेत है, मैंने किसी किसान से कहा कि भाई तुम जोतो मेहनत करो, जितना पैदा होगा 50% तुम्हारा 50% मेरा, तो ये तो हो गई हिस्सेदारी, माने वो भी मालिक है मैं भी मालिक हूं, हम दोनों मालिक के हैसियत के हैं। ये अलग बात है मैं थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, उसके कपड़े कुछ गंदे हैं, लेकिन हैसियत उसकी मेरे बराबर की है, वो मेरे खेत में हिस्सेदार है। तो पहले खेती होती है हिस्सेदारी की, लेकिन जब ये यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट आ गया तो कहता हम तो हिस्सेदारी से निकल गए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा, हमको आमदनी कम हो गई, तो हमने सोचा हम नौकरी कर लेना अच्छा है, तो हिस्सेदारी छोड़ दिया, अब वो मजदूर हो गए। तो पहले वो मालिक था, अब आपके डीएपी सुपर फॉस्फेट यूरिया ने उसको मजदूर बना दिया। ये तो हो गया अभी 56 साल में। अब जरा कल्पना करो कि ये गेट आ गया 2005 से, अब क्या होगा? थोड़ा सा यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट आया, थोड़ा सा महंगा, तो ये हालत हो गई कि करोड़ों किसान जो हिस्सेदार थे वो मजदूर हो गए। अब ये पूरा गेट करार अगर आ गया तो यहां तो मजदूर ही मजदूर हैं, उनके मालिक। और अभी क्या है कि आप हिंदुस्तानी कोई किसान के मिल्कियत के खेत में मजदूरी करते हैं, फिर आप उनका भी मालिक अमेरिका में बैठा है, उसके मजदूर हो गए। यही तो होगा भाई, अमेरिका वाले यहां के खेती नहीं कराएंगे, वो अपना एक कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे या सब कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे, वो उनके लिए खेती करेगा, तो आप गुलामों के गुलाम हो गए, हैसियत तो और नीचे आ गई ना। तो वही हो गया ना, तो हम लड़ते थे कि भाई जमींदारी नहीं होनी चाहिए, अब ये तो जमींदारी से भी बड़ी जमींदारी आ गई है। हाँ, अभी भी इसमें इसमें हाँ वो इसी के लिए है। हाँ, ये जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो ये कि महाराजा साहब आने वाले हैं, तैयारी करो, क्योंकि आपकी जमीन उनको चाहिए, तो वेस्टलैंड तो वो खरीदेंगे नहीं, पहले इसको डेवलप करो, फिर आपकी तो हैसियत है नहीं जमीन को रोके रहने की, दे दो उनको डेवलप करके। तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के डोनेशन से ये जो जगह जगह तालाब बनाने के काम चल रहे हैं वो तो इसी के लिए चल रहे हैं। अभी हमारे देश में आपने देखा है ना, एक पानी बचाने का वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें अन्ना हजारे जी का नाम आया, ऐसे और भी लोग हैं, राजेंद्र सिंह राणा हैं, अन्ना हजारे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इसके पीछे का जरा सच आप समझिए तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। सच यह है कि भारत सरकार उसके लिए फंड्स दे रही है, ठीक है, कापार्ट नाम की एक एजेंसी फंड्स दे रही है कि गांव गांव तालाब बनाओ, गुजरात में बने हैं 10,000 या 10,500 तालाब बने, सरकार को फंड्स दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने कि आप हरेक जमीन के नजदीक तालाबों की व्यवस्था करो, तो सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके तालाब खोद रही है, जगह जगह तालाब बना रही है, आपको लग रहा है देश का विकास हो रहा है, 2005 के बाद ये गेट आ रहा है,
गेट आ रहा है तो जमीन खरीदने के लिए उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं, तो आपके बने हुए तालाब, आपकी जमीन उनके काम आने वाली है, तो वो तो करेंगे ही। जो भी सरकारी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं या विदेशी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली दो साल के बाद आपको लगेगा कि तो देश के तो सबसे बड़े दुश्मन यही, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है, जिनको ये पुरस्कार, ये तो राजस्थान वाले जानते हैं, राजन सिंह राणा को मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया है, अन्ना हजारे को भी अभी आप देखना एक आध हफ्ते में मिल जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार। अन्ना हजारे के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो जरा समझिए। पॉलिटिक्स ये चल है? नहीं नहीं, वो ढस गया नहीं ढस गया वो महत्व की बात नहीं, महत्व की बात ये है पैसा आया वर्ल्ड बैंक से, भारत सरकार की एक एजेंसी कपार्ट को, कपार्ट से आपने लिया, ठीक है, और आपने बना दिए तालाब कहां, जहां वेस्टलैंड है, और उसको डेवलपमेंट के नाम पर बनाए। 2005 के बाद आ रहा है गेट करार, जिसमें हर विदेशी कंपनी को हजारों एकड़ जमीन खरीदने की छूट है तालाब के साथ, तो उन्होंने आके झटके में वो सब खरीद लिए, तो मेहनत आपने की, तालाब आपने बनाए, जमीनें आपकी थी, चले गए उनके हाथ में। नहीं नहीं, बेचना तो मजबूरी हो जाएगी ना, मजबूरी ऐसी कि जैसे मैंने समझाया कि मान लो मैं खेती करता हूं, ऐसे कल्पना करो 10 बीघा खेत है, मेरे पास दो तालाब हैं, अब मैं जो कुछ भी पैदा कर रहा हूं बाजार में उसका भाव गिर गया, ठीक है, मैं एक साल बेचा, दो साल बेचा, लोन लेके किया, अगले साल लोन लिया, लोन बढ़ता गया, एक दिन बैंक आएगी कुड़की करेगी, क्योंकि बाजार में जो भी विदेशों से इम्पोर्टेड आइटम्स आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं, मुझको भाव नहीं मिल रहा है, मुनाफा होगा नहीं, तो खेती में लागत बढ़ती गई, कर्ज भी बढ़ता गया, एक दिन बैंक आकर या तो आपके पूरे खेत को ले लेगी और वो नीलामी कर देगी, नीलामी में गया आपके हाथ से, या आप ही खुद बेच देंगे बैंक का कर्जा देने के लिए कि भाई अब मैं नहीं कर सकता तो बेचो और बैंक का कर्जा पटाओ, तो परिस्थिति बना दी उन्होंने कि आप बेच ही दें उसको, वो ये नहीं कहेंगे आप बेचो, वो परिस्थिति ऐसी बनाएंगे कि आप सर्वाइव ही नहीं कर सकें उस। जी क्या ईएमआर? हाँ वो मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूं, अभी खेती वाला मैं क्लोज करना चाहता हूं, इसमें कोई और सवाल हो तो पूछो। हाँ हर साल का जो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका 0.5% बढ़ता जाएगा, जैसे ऐसे समझिए, पहले साल 8 लाख टन किया, अब आपका कंजम्पशन 1 करोड़ टन का है, तो उसका 0.5% निकाल लो, अगले साल फिर उतना करना है, फिर उसके अगले साल और 0.5% निकाल लो, तो मैंने ये कैलकुलेट किया करीब 12, 14, 15 साल में आपके बाजार में आप कुछ पैदा न करें, सब कुछ वहां से आए, ऐसी स्थिति बन जाएगी, आप सिर्फ कंज्यूम करिए, प्रोडक्शन मत करिए। नहीं, अपने फेवर का प्रोविजन है वो मैं बताता हूं। देखिए, इसमें अपने फेवर का एक प्रोविजन था लेकिन उसका टाइम निकल गया, उसमें एक टाइम पीरियड दिया था, डेवलपिंग कंट्रीज निगोशिएट कर सकते हैं, एक प्रोविजन इसमें ऐसा था कि ये जो प्रोविजन मैंने सुनाए इन पर आप डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से कोई ग्रुप बना के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ निगोशिएट कर सकते थे। निगोशिएशन क्या कर सकते थे, इतना कि अच्छा ये 8% है इसको 6% कर दो, ये नहीं कर सकते कि इसको हटा दो इसमें से। मैंने पहले ही वो वाक्य पढ़ के सुना दिया तुमको कि ये पूरा एग्रीमेंट या तो स्वीकार करिए या तो टोटली रिजेक्ट करिए। इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई 8% आपने जबरदस्ती है हमारे ऊपर ज्यादती है, आप ऐसा करो 6% कर दो ये इम्पोर्ट वाला, या 4% कर दो, या 2% कर दो, ये नहीं है। हाँ वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कर। हाँ हाँ उत्पादन पर, हाँ उनकी जो लागत आती है उसका 400% आप कम करके दे दो सरकार को, सरकार आपको भरपाई कर देगी। हाँ उनके यहाँ भी
वो तो पूरा ही वो करते हैं अमेरिका में तो टोटली वो, हाँ वो तो अमेरिका में तो इतना डॉलर छपता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यही होता है कि आपके पास बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उससे ज्यादा आपने मुद्रा प्रिंट करके फेंकना शुरू किया। तो अमेरिका तो इसके लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अभी आज की तारीख में दुनिया के 10-12 देश, ज्यादा बात नहीं करता, 10-12 देश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया मिलकर ये बोल दें कि हम सारा सोना अमेरिका को वापस देंगे, सारा डॉलर अमेरिका को वापस देंगे, सोना दे दो हमको, तो अमेरिका पायमाल हो गया, कंगाल हो गया, दिवालिया हो है? हाँ फिर भी ज्यादा। तो उन्होंने किया हुआ है, वो मैकेनिज्म बनाया है उसका कि डॉलर भयंकर प्रिंट करने के बावजूद डॉलर का रेट नहीं गिरना, उसके लिए मैकेनिज्म बना रखे हैं। वो जो पहले दिन का व्याख्यान था वो यही बताने के लिए था। अब वो मैकेनिज्म में हम फंस गए हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, हम भी उनके साथ लगे हैं। तो डेवलपमेंट तो उनका हो रहा है, हमसे तो वो चूस चूस के सब ले जा रहे हैं। जी एक मिनट इसमें, हाँ एक पूछ लेना। हाँ 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 थोड़ा तो इसमें वो है। देखिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, एक दृष्टि की बात बताता हूं। कहीं भी सरकार की तरफ से अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई एनजीओ किसी प्रोजेक्ट को लेके आया है, एनजीओ की मेरी परिभाषा जो है, जो समाज से कुछ लेके काम नहीं करते, सरकारी फंड पे जो काम करते हैं या विदेशी फंड पे जो काम करते हैं, अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई एनजीओ लेके आया है या सरकारी पैसे से चलाया गया है, आप जान लेना वो सारा का सारा गेट करार की तैयारी के लिए ही है। इस देश वनौषधि का इन्होंने कहा, वनौषधि आप लगाइए, इसके लिए भारत सरकार की कापाट एजेंसी बड़े पैमाने पर लोन दे रही है, लेकिन वो वनौषधियों पर 2-3 साल के बाद कंट्रोल उनका है जो जमीन खरीद ले। प्लांट आपने लगाए, मेहनत आपने की, प्लांट आपने बड़े किए, खरीद लिया उन्होंने पूरा का पूरा। हाँ अब देखिए इसमें एनजीओ एक दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। एक ऐसे एनजीओ जो लोगों से पैसा लेकर लोगों के काम में लगे हैं, जिनको सरकार से पैसा नहीं लेना है, विदेशी संस्थाओं से पैसा नहीं लेना, उनके ऊपर आप एक बार जरूर श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है, एक बार तो जरूर आप उसको शक की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है। राजेंद्र सिंह राणा को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, फिर पूरे देश में उसकी यात्रा चलाई जा रही है, जल यात्रा हो रही है। उस जल यात्रा किस लिए हो रही है कि आप तालाब बनाते जाओ, 2-3 साल के बाद ये जमीन जाने वाली है उनके पास, उनको तालाब चाहिए क्योंकि खेती उनको करनी है और बड़े पैमाने पर करनी है। तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े, और आप तो बन गए उनके एजेंट। अच्छा आप एक बात ध्यान देना, जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा, अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पिछले 50 साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं। लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया, उसको मैग्सेसे भी मिलेगा और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन उसी का कराना है जिससे काम करवाना है। हम ये राजकोट जाते हैं, बेलजी भाई के परिचित एक सज्जन है, वो नीम का पेड़ लगाने का काम करते हैं, उनको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। वो क्या नाम है उन भाई का जो नीम का पेड़ लगाते हैं, नीम राम जी भाई। तो एक दिन बता रहे थे कि कितने कितने वन उन्होंने बना दिए। अब मुझे लगा कि इस आदमी ने तो इतना बड़ा काम किया अकेले दम पर, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपने लोगों की मदद से कुछ कर रहा है। अगर वही काम वो कपाट की मदद से करता, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर करता, 2 रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गए होते अब तक उसे। ये जो अवार्ड की पॉलिटिक्स है ये भी इसके साथ एक हिस्सा है। तो आप कई बार जो है ना, अब इसमें से एक बात निकल आएगी, आ गई चर्चा में, हमारे मन में हमेशा आता है ना किन संगठनों से सहयोग करें, किन के साथ नहीं करें, किन के साथ करें, किन के साथ नहीं करें, कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा चलता रहता है ना। कई बार अच्छा अच्छा काम होता हुआ दिखता है तो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा, हम नहीं कर सकते, चलो हम इसके साथ मदद करें। तो आप ऐसे संगठनों के साथ कभी भी काम नहीं करना जो सरकारी पैसे पर और विदेशी पैसे पर काम करते, नहीं तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे।
कल को क्या होगा, उनकी आदत है कुछ लोगों को खड़ा करना, उनकी मदद से काम करा लेना, फिर उनको निकाल बाहर फेंकना। ये काम उन्होंने राजा राममोहन रॉय से तब कराया था, यही काम अब राजेंद्र सिंह राणा से करा रहा। और ये जो इस तरह के लोग हैं जो सरकारी फंड्स पे काम करेंगे और विदेशी पैसे से काम करेंगे, वो प्रश्न उठाएंगे जो विदेशी प्रभाव के नहीं होंगे। आप ध्यान दीजिए, राजेंद्र सिंह राणा कभी स्वदेशी की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप उससे कहो कि गांव में बना हुआ दातुन इस्तेमाल करने के लिए भी तो एक अभियान चलाओ, तो वो कहेगा ये तो छोटी बात है, सरकार से 2 करोड़ रुपए लेके तालाब बनाओ ये बड़ी बात है। ठीक है, तो गांव के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ऐसा कोई अभियान वो नहीं चलाएंगे। उनके सारे अभियान जो चलेंगे वो ऐसे होंगे जो गांव के लोगों को परावलंबी बनाते जाएं, या तो सरकार के ऊपर या विदेशी संस्थाएं जो लोन देती हैं उनके ऊपर। अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ये, राजेंद्र सिंह राणा तो एक प्रतीक है, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि आप अक्सर ऐसे चपेटे में फंस जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, कहते मीटिंग कराओ उसकी, पेम्पलेट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही है ना वो एक कैलकुलेशन से चल रही है। एट रेंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता। तो ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं या वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली सब उनके लिए चल रहे हैं जो 2-3 साल के बाद आपके यहां बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, धर्मपाल जी ने कल कहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो कुछ भी काम करते हैं उसकी तैयारी 50 साल पहले कर लेते हैं, 50 साल पहले वो तैयारी कर लेते हैं। गेट के माध्यम से ये भारत में उन्हें कराना है, इसकी तैयारी उन्होंने 1952-53 में शुरू कर दी है। हाँ, आप कुछ कहें, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन राजेंद्र सिंह राणा के बारे में मुझे पक्की जानकारी है। उन्होंने करोड़ों रुपए विदेशी फंड लेके ये तालाब बनाने का काम शुरू किया और उसी फंड से अब यात्राएं उन्होंने निकालना शुरू किया और वो यात्राओं को अब सरकार ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कर्नाटक में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, गुजरात में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में चूंकि मेरे पास पक्की जानकारी है और मेरे पास ये भी जानकारी है कि उनको कहां से किस देश से कितना पैसा कब आता है, उसका कारण है कि मैं 1989 से उनको जानता हूं, राजेंद्र सिंह राणा को। तो ये एक बात आ गई, इसलिए राजेंद्र सिंह राणा जैसे हिन्दुस्तान में हजारों लोग हैं, वो तो एक नहीं है। हिन्दुस्तान में इस समय 18,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो फॉरेन फंड्स लेके इसी तरह के काम में लगी हुई हैं, जिनको एनजीओस कहा जाता है, 18,000, और इनका एक साल का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है जो आता है बाहर से और देश के अंदर से मोबिलाइज किया जाता है। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं आता हूं, एक कृषि पे बात करूं, अभी ये खत्म हो जाए फिर। हाँ, हाँ, आप किसानों को समझाना चाहते तो 3 कैसेट मैंने इस पे पहले से बना रखी हैं, खेती और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश उसका नाम है, 3 घंटे का पूरा व्याख्यान है। खेती से गेट का क्या संबंध है और खेती पे क्या असर, यही विषय उसमें 3 घंटे का लिया है। अब आप इतना ही करिए मेहरबानी करके कि वो 3 कैसेट जितने ज्यादा किसानों को सुनवा सकते हैं सुनवा दीजिए, क्योंकि अभी क्या होगा, अचानक से जब आफत आ जाएगी तो रास्ता ढूंढते भी नहीं मिलता, लेकिन आफत आ रही है उसका अगर अंदाजा है आपको तो रास्ते भी ढूंढने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। अभी 2005 से अचानक से ये शुरू हो गया, साधारण किसानों को माहिती नहीं है, वो तो मारे मारे फिरेंगे। 2 रास्ते हैं, वो कपास लेके जाएंगे भाव नहीं मिलेगा, बैलगाड़ी लेके वापस आएंगे, या औने पौने भाव पे बेचेंगे। वो माल लेके जाएंगे भाव नहीं मिलेगा, औने पौने भाव पे बेचेंगे, व्यापारी भी उनकी लूट में लग जाएंगे क्योंकि व्यापारियों को मौका मिलेगा। व्यापारी कहेगा जी देते हो 200 रुपए क्विंटल, देते हो तो दे दो। अभी ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में तो हो ही रहा है,
मैं पिछले बार उड़ीसा गया, संबलपुर गया, तो किसानों ने 180 रुपए क्विंटल पे धान बेचा, जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 600 रुपए 650 रुपए क्विंटल था। व्यापारियों ने लिया क्योंकि किसानों को यह मालूम था कि मार्केट में चावल ज्यादा आया हुआ है, तो थोड़ा सा चावल ज्यादा आ गया तो ये हालत है कि 650 रुपए क्विंटल वाला 150 रुपए क्विंटल बेचना पड़ा। तो अब जब गेट करार कंप्लीट आ जाएगा तो आप सोचो 50 रुपए क्विंटल भी बेचना पड़ सकता है, और कोई उसके लिए धनी धोरी नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये, मैं आपको एक उसका गंदा स्वरूप भी समझाता हूं। फिर क्या होगा, जब ये विपत्ति आपत्ति आएगी तो ये राजनीतिक पार्टियां फिर राजनीति करना शुरू करेंगी। ये देखो ये जिम्मेदार है, इसने गेट करार लागू किया था, कोई कहेगा नहीं नहीं देखो इसने साइन किया था। ये सब ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ना शुरू करेंगे, उसमें डाइवर्जन ही होगा, आपको रास्ता कुछ नहीं दिखेगा। फिर एक पार्टी कहेगी अच्छा जी हमको वोट दे दो, हम आएंगे और इसको हटाएंगे, ठीक है। अब वो आएंगे उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ ला सकते हैं, क्योंकि हटाने की दम अगर होती तो अभी ही नहीं विरोध करते उसका। बीजेपी ने क्या किया था, यही तो कहा था कि हमको चुन के दो, हम स्वदेशी लाएंगे, ये करेंगे, गेट करार को हटाएंगे। गेट अभी लाए हैं तो उससे और ज्यादा खतरनाक रीति से उसको लागू कर दिया। कल को कम्युनिस्ट आएंगे वो इससे भी ज्यादा खराब कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों का तो दम अगर होता तो पहले ही करते ना, उनका दम तो हो गया है खत्म। अगर दम होता तो पार्लियामेंट ही इसको रिजेक्ट करता। अब जिसके ऊपर ये आफत आने वाली है उसको जानकारी नहीं है कि ये हो जाए, उसको इतना जरूर होगा दो साल के बाद कि अचानक से भाव बहुत गिरेंगे, तो वो परेशान तो होगा कि भाव नहीं गिर मिल रहा है, लेकिन ये कैसे गिर गया है भाव ये उसको बताने वाला कोई नहीं है। ये बात ठीक है, इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे कि अभी कोई बीज के बारे में कोई पुस्तक बन जाए या कोई पेम्पलेट बन जाए जिससे किसानों को माहिती हो। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जितना हमारे पास है उतना तो पहुंचे लोगों के पास पहले। हमारे पास अभी इतना तो है ही, खेती किसानों के बारे में हमारे पास काफी कुछ है, गेट का मटीरियल, ट्रिप्स के बारे में काफी कुछ है, मेडिसिन के बारे में काफी कुछ है जिसपे मैं अभी थोड़ी देर में आने वाला हूं। तो जितना है उतना ही जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। वो जो सुनील आगेवाल कल कह रहे थे ना, वो यही बात है कि आप ये कुछ दो तीन चार विषय की कैसेट सेलेक्ट करके जितने लेवल पे उसको लोगों को सुना सकें तो माहिती मैक्सिमम। एक बार लोगों को जानकारी हो जाए कि देखो ये आफत आने वाली है या आ गई है, तो फिर वो कहेंगे अच्छा बताओ अब क्या करें, वो खुद ही पूछेंगे अच्छा आप बताओ क्या करें। जैसे ही उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि आप क्या करें, तो फिर हमारा उनका संबंध बनेगा और फिर रास्ते बनाना उसका भी विकल्प है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि इसका कोई विकल्प नहीं, ये इतनी भयावह जो परिस्थिति आने वाली है इसका विकल्प है, और उस पर भी मैं चर्चा करूंगा क्या विकल्प है। लेकिन ये विकल्प तब लागू हो सकेगा जब किसानों के साथ हमारी दोस्ती हो। दोस्ती कब बनेगी? एक तो आफत आने के पहले आपने उनको चेतावनी दे दी कि देखो ये आफत आने वाली है दो साल के बाद, तुम समझ जाओ। वो अभी मानेगा नहीं आपकी बात को, क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़ा विश्वास कम हो गया है पिछले 50 साल में। शहर से आया हुआ कोई आदमी गांव वाले से कुछ बात करे तो वो पहली बार में तो मानता ही नहीं है कि ये मेरे काम की बात कर सकता है। वो जो कल कह रहे थे ना प्रिंस प्रियंदम की, वो अच्छा खाना पीना खिलाएगा, आवभगत भी कर देगा, लेकिन आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा इसमें डाउट रहता है। तो हो सकता है ना माने, लेकिन आपका फर्ज है, कर्तव्य है, आप उसको बताएं सुनाएं। जैसे ये आफत आएगी तो वो ढूंढेगा अच्छा ये दो साल पहले आए थे यही बता के गए थे। हाँ वो कहेगा अरे दो साल पहले तो आए थे, वो हमको बता गए थे, कैसेट सुना गए थे ऐसा होने वाला, अब तो ये हो गया। फिर वो ढूंढेगा, जब उसके मन में आपके प्रति जिज्ञासा पैदा होगी तो फिर आप जो कहोगे वो ही करेगा। वो ये मान लेगा कि आप पहले आए थे, मुझे ये बता के गए थे, मैंने आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया था, या मैंने माना था आप गप मार रहे हैं, या आपको कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, इतना कुछ होता होता नहीं है, लेकिन अब मैंने देख लिया कि ये तो बहुत होता, अच्छा आप बताओ अब क्या करें। तो ये अभी अपने का काम क्या है, अब देखिए गेट के साथ मैं आपको एक प्रोग्राम भी दे रहा हूं, ये गेट का एग्रीकल्चर का चैप्टर मैं यहां खत्म कर रहा हूं कंक्लूड करके। यहां से जाने के बाद हमारा अब जो सबसे बड़ा काम है वो ये कि 2005 एक जनवरी से गेट लागू हो, उसके पहले अपने आसपास में जितने अधिक से अधिक गांव में हम जाकर ये लोगों को बता दें, वो मानते हैं नहीं मानते अलग बात है, दो लोगों को सुना दें, दस लोगों को सुना दें, बीस लोगों को सुना दें, तब मेरे हिसाब से खराब है। वो 27 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है,
वो ये कहता है, अंग्रेजी में बहुत लंबा है, मैं आपको सीधे हिंदी बताता हूँ टाइम बचाने के लिए, आप चाहें तो उसको फोटोकॉपी करें। ये कहता है कि भारत में, और सॉरी भारत में नहीं, जहां भी गेट करार लागू होगा उन सभी देशों में इन्वेंशंस और डिस्कवरीज दोनों को पेटेंट दिया जाए। अभी तक क्या होता है, भारत जैसे देश में डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं है। अब डिस्कवरी और इन्वेंशन क्या होता है वो मैं समझाता हूं। देखिए मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये घड़ी सबसे पहले किसी ने बनाई तो ये इन्वेंशन है, समझ गए? ये घड़ी है मेरे हाथ में, ये सबसे पहले किसी ने बनाई तो उसने ये इन्वेंशन कर दिया। ये पेन मेरे हाथ में है, ये सबसे पहले किसी ने बनाया तो इन्वेंशन कर दिया। ये चरखा किसी के हाथ में है, किसी ने सबसे पहले बनाया, इन्वेंशन कर दिया, ठीक है। लेकिन नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वो आपने कहीं ढूंढ लिया जाके, तो वो डिस्कवरी है। जो चीज पहले से मौजूद है उसको पता कर लेना गुण दोषों के सहित, वो होती है डिस्कवरी। और जो पहले से कहीं नहीं थी उसको बना लेना, वो होता है इन्वेंशन। बात समझ में आ रही है? डिस्कवरीज माने पहले से बहुत कुछ है ब्रह्मांड में, जगत में, वो आपने खोज लिया। नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये बीज है, वो बीज है, ये फल है, वो फल है, आपने उसके गुण दोष पता कर लिए, इसको खाएं तो ऐसा हो जाता है, उसको पिए तो ऐसा हो जाता है, तो ये तो डिस्कवरी है। इन्वेंशन क्या है? जो पहले से कुछ था ही नहीं और आपने बना लिया, वो है इन्वेंशन। भारत में अभी क्या होता है, सिर्फ इन्वेंशंस को पेटेंट है, डिस्कवरीज को नहीं है। लेकिन गेट करार का ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि वेदर इट इज अ इन्वेंशन और डिस्कवरी, बोथ आर पेटेंटेबल, दोनों को पेटेंट चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है वो समझ लीजिए। अर्थ ये है कि जैसे मैंने ये घड़ी का इन्वेंशन किया तो इस पर पेटेंट मेरा, पेटेंट का मतलब होता है लीगल राइट, एक तरह का कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार किस बात का? इसको बनाने का और बेचने का, दोनों, या किसी को दान करने का, दान भी करना है तो किसी, तो ये अधिकार मेरे पास है। अच्छा, अब ये अधिकार जिस कानून से मिलता है उसी को पेटेंट एक्ट कहते हैं। हमारे देश में एक पेटेंट एक्ट बना हुआ है, 1970 से बना हुआ है। उसमें ये है कि अगर आपने इन्वेंशन किया तो उस पर तो अधिकार मिलेगा, लेकिन डिस्कवरी किया उस पर नहीं मिलेगा। क्यों? आपने कुछ नया नहीं बनाया, पहले से था को खोज के बता दिया आपने। जैसे आपने ये बता दिया कि अदरक का पानी पीने से ये हो जाता है, अब ये तो पहले से था, आपने सिर्फ बता दिया, लेकिन अदरक बना दिया अगर, तो इन्वेंशन हो गया। तो अगर आप इन्वेंशन करेंगे किसी चीज का तब तो पेटेंट है। पेटेंट माने लीगल राइट। लीगल राइट किस चीज का? बनाने का और बेचने का। लेकिन अगर आपने कोई चीज खोजा है तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो डिस्कवरी है। तो हमारे यहां डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं होता, इन्वेंशन पेटेंट होता। अब ये 2005 के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो डिस्कवरीज भी पेटेंटेबल है, इन्वेंशन भी पेटेंटेबल। तो अब इसमें होने वाला क्या है? लड़ाई मार इस बात की होगी कि जैसे कोई किसान है, उसके पास चावल का एक बीज है, हजारों साल से चला आया है, उसने वो बीज से कोई नया बीज बना लिया तो वो एक डिस्कवरी है, लेकिन ये भी अब पेटेंट हो जाएगा 2005 के बाद, जो अभी तक नहीं होता था। आपने जैसे, आप सुनते हैं ना, अमरीका ने तुलसी पे पेटेंट करा लिया, अदरक पे करा लिया, नीम पे, ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नीम से कोई दवा बनती थी हजारों साल से हमारे देश में, अमरीकियों ने उस पर पेटेंट करा लिया, क्योंकि उनके यहां डिस्कवरीज को भी पेटेंट होता है, हमारे यहां नहीं होता। अब हमको भी ये लागू करना पड़ेगा। तो सभी डिस्कवरीज पेटेंटेबल है, सभी इन्वेंशन पेटेंटेबल है। फिर उसी में आगे का प्रोविजन है कि पेटेंट कम से कम 20 साल का है, माने 20 साल तक वो एक वस्तु किसी के बपौती की रहेगी, मिल्कियत की रहेगी, दूसरा ना उसको बना सकेगा ना बेच सकेगा, जिसका पेटेंट है वही बनाएगा वही बेचेगा, ठीक है? दो प्रोविजन। तीसरा प्रोविजन है कि अगर आपने पेटेंट का उल्लंघन किया, वायलेशन किया, तो आपको एक केस चलेगा, जिसको एक टेक्निकल वर्ड है, रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ केस चलेगा। वो कैसे, मैं समझाता हूं। ये घड़ी का पेटेंट मेरा, ठीक है, मैं बना सकता हूं, मैं ही बेच सकता हूं, लेकिन आपने ये बना लिया घड़ी, अब मैं आपके ऊपर केस करूंगा कि आपने मेरा चोरी किया पेटेंट। तो आपको अदालत में सिद्ध करना है, मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है वो आपको करना है।
वकील आपको करना है, सिद्ध आपको करना है, मैंने चोरी नहीं की है, ये आपको समझाना है जज को, मैंने आपको आरोप लगा दिया और मेरी छुट्टी हो गई कि ये तो पेटेंट मेरा था, इन्होंने तो चोरी कर लिया। अब आप सिद्ध करते रहो कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया, मैंने तो ऐसा किया वैसा किया, लड़ते रहो केस, मुझे कुछ करना नहीं। ये है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ये भारत देश में सबसे खराब एक जगह पर है जिससे सबसे ज्यादा अत्याचार इस देश में होता है। ये बलात्कार के जितने कानून है वो सब रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के कानून है। माने जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है उसको सिद्ध करना है अदालत में कि हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसी एक कानून के कारण सब बलात्कारी छूटते हैं इस देश में। कैसे सिद्ध करेंगे आप? हिंदुस्तान में एक ही जगह पर यह है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, वो बलात्कार के कानून, रेप के जितने भी कानून है वो सब रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ में है। और आप जानते हैं कि कितने केसेस रेप के होते हैं और कितना उसमें कन्विक्शन, कन्विक्शन रेट रेप केसेस में 1% भी नहीं है। माने रेप करने वाले 100 लोग हैं उनमें से किसी एक को सजा होती है, 99 छूट जाते हैं क्योंकि रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है इसमें। महिला को सिद्ध करना है कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, जिसने किया है उसको कुछ नहीं करना है। वैसा ही रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ अब आ जाएगा 2005 में सभी पेटेंट कानूनों पर। तो अब जैसे कोई विदेशी कंपनी है, मान लो उसने कुछ बनाया, उसने घड़ी बनाई और मैंने भी घड़ी बनाई, अब वो मेरे ऊपर आरोप लगाएगी कि आपने तो हमारे पेटेंट की चोरी कर ली। अब आप सिद्ध करते रहिए अदालत में कि आपने चोरी की है कि नहीं की है, की है तो कैसे की है, नहीं की है तो क्यों नहीं की है, लड़ते रहिए 10 साल 20 साल 25 साल, उतने समय में वो कंपनी माल बेचती रहेगी, धंधा करती रहेगी, माल बेच, किसी दिन मान लो केस जीत भी गए तो 25 साल तो गए आपके हाथ से, फंसा दिया उन्होंने। अब वो करेंगे क्या? विदेशी कंपनी वाले अपने कॉम्पिटिटर को चुन चुन के इसी कानून से मार डालेंगे सबको। कल को मान लो कोई विदेशी कंपनी आती है, हम कोई चीज बनाते हैं, वही चीज उन्होंने मार्केट में डाली और केस लगा दिया कि ये तो इन्होंने हमारा वॉयलेशन किया पेटेंट का, अब झगड़ा चलाते रहिए, लड़ते रहिए, हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, अगर आपकी हिम्मत है तो आप उनको अगर कर सकें ऐसा कोई केस तो आप उनको फंसा सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हिंदुस्तानी जो मानस है उसको देखकर मैं कह रहा हूं कि आप एक करेंगे वो हजार करेंगे। हाँ, वो तो तभी, अगर आपके पास कोई पेटेंट है और आपको लगता है कि कोई विदेशी कंपनी ने आपके पेटेंट की चोरी की है तो आप केस कर सकते हैं, बशर्ते कि पेटेंट है। अगर पेटेंट नहीं है तो आप कोई केस नहीं कर सकते। अब वो क्या है, उन्होंने यहां क्या किया हिंदुस्तान में, ये कानून तो आएगा 2005 से, पेटेंट एप्लीकेशन उनके अभी से पड़े हुए हैं। हाँ, मैं बात करता हूं। तो पेटेंट एप्लीकेशन उनके अभी से है। अब इसमें नेक्स्ट प्रोविजन क्या है वो भी सुनते जाइए। नेक्स्ट प्रोविजन है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट प्रिंसिपल। माने जिसका पेटेंट एप्लीकेशन पहले आएगा पेटेंट उसको दिया जाएगा, डेट का उसमें कैलकुलेशन है। अच्छा, अब कानून लागू होने जा रहा है 2005 1 जनवरी से, ध्यान रखिए। अगर किसी कंपनी ने आज के दिन में कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया और आपने 2001 के बाद उसी के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, वो कंपनी को मिलेगा क्योंकि उसने पहले एप्लीकेशन दिया है। तो उन्होंने क्या किया है, ये तो चालाक लोग हैं अमरीकी, हम तो उतने चालाक नहीं है, उन्होंने आज ही सब एप्लीकेशन दे रखे हैं जिसका अंदाजा उन्हें है 2 साल बाद का। मैंने कहा ना, वो तो 50 साल पहले का हिसाब जोड़ के चलते हैं। तो उन्होंने वो सब एप्लीकेशन दे रखे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने सांभर बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है, इडली बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है, उत्तप्पा बनाने के प्रोसेस पे पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है, उन्होंने मिरी का 40 तरह से इस्तेमाल हो सकता उस पर पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है, सूखड़ी बनाने पर पेटेंट एप्लीकेशन दे रखा है। एक दिन मैं रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट ऑफिस में गया, मैंने कहा जरा एप्लीकेशन दिखा दीजिए किस किस कैटेगरी के हैं, तो उन्होंने कहा 1.5-2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं उनके पास, 85% सब विदेशी कंपनियों के हैं। मैंने कहा जरा लिस्ट लाइए, तो वो ऐसी लिस्ट है, कड़ी बनाने पे 40 पेटेंट एप्लीकेशन दिए हुए हैं। कड़ी तो हम रोज बना के खाते हैं ना, जापान की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी ने 40 एप्लीकेशन फाइल किए हुए हैं। हाँ, होटल में बना के मार्केट में नहीं बेच सकेगा जब तक कि आप वो कंपनी की परमिशन ना ले लें। घर में तो मैंने कहा,
आपको मैंने बता दिया कि जो भी काम आप मार्केट के लिए करेंगे गेट उसमें आगे आएगा, और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो गेट कहीं नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब आप होटल चलाते हैं, पेटेंट एप्लीकेशन उन्होंने कड़ी का दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन पे पेटेंट मिला है, तो आप वो कड़ी बनाना चाहते हैं तो परमिशन लीजिए उस कंपनी की, उसको रॉयल्टी दीजिए उस कंपनी की, तब आप बना के बेच सकते हैं वो कड़ी, नहीं तो नहीं बेच। अगर बेचा तो वो आपके ऊपर केस करेगा कि इसने मेरा पेटेंट वायलेट किया है। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं महिला को सिद्ध करना पड़ता है अदालत में, जो होती है वो पीड़िता के लिए सब केस है पूरा, पीड़ित तो खड़ा, वो माने करने वाला तो खड़ा है बॉक्स में, सब पूछताछ उस महिला से होगी, क्योंकि रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है हिंदुस्तान में रिवर्सल ऑफ बर्डन, ये यूरोप में है तो यहां भी आ गया, वही उन्होंने गेट में ले आया। तो जिसके ऊपर सब, जो भुक्त भोगी है सब कुछ उसको सिद्ध करना है, और जिसने सब किया है उसको कुछ भी नहीं करना। हाँ, अभी पेटेंट का चार्ज कितना है हिंदुस्तान में, अगर आप कोई डिस्कवरी को पेटेंट कराने के लिए, कोई प्रोसेस को पेटेंट कराने के लिए, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, लगभग 350 रुपये 400 रुपये है। अगर आप वही पेटेंट विपो में कराने जाएं तो $5,00,000 है। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बड़ी संस्था है जहां के पेटेंट की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, वहां $5,00,000 है। तो यहां भारत सरकार 350-400 रुपये। अब विदेशी कंपनी के बढ़ा दिया, मान लो उन्होंने 2005 के बाद 10,000 करेंगे, 50,000 करेंगे, वो होगा, लेकिन उनके लिए 50,000 क्या है? 75,000 हो गया। देखिए अभी 75,000 तो हो गया, जो कभी 350 था अब 75,000 हो गया। एक आपको रोकने के ये रास्ते हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन फीस बढ़ा दिया, और ये जो फीस होती है वो रिफंडेबल नहीं है, आप ये ध्यान रखना, पेटेंट नहीं मिला तो फीस रिफंड नहीं होगी, डूबने वाली है। हाँ नहीं, एप्लीकेशन फाइल करते में पेटेंट मिला नहीं मिला वो तो बात दूर की है, हो सकता है नहीं भी मिले, एप्लीकेशन फाइल होते ही आपको ये जमा कर देना है पैसा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पेटेंट का, ये जो पेटेंट है ना वो सभी इंडस्ट्रीज में है, सिर्फ खेती में नहीं, दवाओं में नहीं, सभी में है, क्योंकि हर जगह मशीनें बनती हैं, हर जगह प्रोसेसेस बनते हैं, प्रोसेसेस के सभी पेटेंट डिस्कवरीज पेटेंट माने जाते हैं, और प्रोडक्ट के सभी पेटेंट जो है इन्वेंशंस होते हैं। अब इसमें क्या है, एक नेक्स्ट प्रोविजन फिर क्या है, नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि प्रोविजन जो है वो डिस्कवरीज, सॉरी, प्रोसेस को भी दो प्रोडक्ट को भी दो। अभी तक भारत में ऐसा होता है कि प्रोसेस को ही दिया जाता है, प्रोडक्ट को नहीं दिया जाता मेडिसिन के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में तो दूसरी परिस्थिति, लेकिन 2005 के बाद आप दोनों को दो। अब ये प्रोसेस और प्रोडक्ट समझा देता हूं, घड़ी बनाया एक तरीके से वो एक प्रोसेस है, घड़ी बन गया वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का एक पेटेंट, प्रोसेस का एक पेटेंट। भारत में क्या होता है कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्ट पेटेंट है अदरवाइज नहीं है, कुछ ही फील्ड है वो 10-12 से ज्यादा नहीं, बाकी सब में प्रोसेस है, लेकिन ये 2005 के बाद आपको सभी में करना है ये। तो अब ऐसे समझिए कि ये घड़ी बना रहे हैं, इसका प्रोसेस भी पेटेंट हो गया और घड़ी भी पेटेंट हो गई, घड़ी का डिजाइन भी पेटेंट हो गया, इसके अंदर के नंबर इस तरह से लिखे हैं ये भी पेटेंट हो गया, आपने इसमें इतने सारे खाने ये भी पेटेंट हो गया, ऐसा क्लिप है ये भी पेटेंट हो गया, ये पेन है, पेन का कैप का ये डिजाइन है ये भी पेटेंट हो गया, निब का डिजाइन है वो भी पेटेंट हो, नीचे का ये पेन, सब सब अब हो गया। तो मैंने कहा लीगल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया तो उसी को बनाना, उसी को बेचना, और कब तक, 20 साल तक।
20 साल के पहले ना कोई दूसरा बनाएगा ना बेचेगा उसको। बता तू तो ये सभी क्षेत्र में होगा, ये दवा में भी होगा, उद्योग में भी होगा, टेक्सटाइल में भी होगा, खेती में भी होगा, जितने भी सेक्टर हैं सब में होगा, सर्विसेज में भी होगा। सर्विसेज में क्या होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका कोई सिंबल है, ठीक है, अब वैसा सिंबल कोई ने दूसरे ने अगर लगा लिया तो पेटेंट वायलेशन का केस। हमारा भी स्वानंद का कोई सिंबल है, हमने पेटेंट लिया, किसी दूसरे ने यूज किया, हम भी केस कर सकते। माने ये झगड़े ही बढ़ने हैं, शांति तो नहीं रहनी है। ये तुम उस पे करो, वो उस पे करे, वो उस पे करे, वो अभी तो 4 करोड़ केस पेंडिंग है। फिर जब ये आ जाएगा आप सोचो 10 करोड़ हो जाएंगे, 15 करोड़ हो जाए। और अपनी अदालत की ये कैपेसिटी है कि 4 करोड़ केस को अगर सुझाव माने समाधान करना हो तो अरुण जेटली कहता है कम से कम 400 साल लग जाए, 350 से 400 साल लग जाएगा अभी जो केस पेंडिंग है। जब ये सब आ गया तो कल्पना करो क्या होगा, हजारों साल तो आप केस ही लड़ते रहिए, जन्म दर जन्म आप केसों में फंसे रहिए। ना तब तक बना सकते हैं, लेकिन वो भी बना सकता है ना, जैसे आप घड़ी बनाते हैं, ठीक है, सिटीजन कंपनी ने आपके ऊपर वायलेशन केस किया, तो अब इसमें जो प्रोविजन है वो ये कि जिसके ऊपर केस किया उसका प्रोडक्शन स्टॉप इमीडिएट, लेकिन जिसने केस किया उसका प्रोडक्शन चालू। आप जब छूट जाएंगे तब दोबारा से प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। हाँ, मैंने एप्लीकेशन, इसका एक बोर्ड है, स्पेशल बोर्ड, जिसको डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल या डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड कहा जाएगा। तो आपने केस दे दिया, प्राइमा फेसाई उसने मान लिया, बस उसी दिन से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। और जिसने केस किया है उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसे कुछ सिद्ध भी नहीं करना है। मान लीजिए जजमेंट ये आया कि आप जीत गए और वो हार गया, तो 20 साल तो गए ना आपके, अब आप नए सिरे से शुरू करिए प्रोडक्शन, वो कंपनी आपको सरेंडर करेगी, लेकिन 20 साल में उसने जो कमाना था कमा लिया। हाँ, वो कर सकते हैं बशर्ते कि पेटेंट हो, विदाउट पेटेंट नहीं कर सकते ना। और मैंने आपसे कहा कि एप्लीकेशन उन्होंने कर लिए, आप भी एप्लीकेशन करना शुरू करिए, 75,000 रुपए भरिए एक एक एप्लीकेशन में, अब कितने लोग लेंगे। और हो सकता है आपने जो एप्लीकेशन दिया वो पहले से आ गया है, तो जुडिशियरी ये जो है ना, देखिए एक एक बात ध्यान रखिए कि अभी तक भारत में ऐसा माना जाता है ना, वैसे है नहीं, वो माना यह जाता है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट जैसा है, लेकिन जुडिशियरी का सारा इंडिपेंडेंस निकल जाएगा, वो गेट के नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा जुडिशियरी उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपके सब कानून फिर वैसे ही बनेंगे। आईपीसी चेंज करना पड़ेगा, सीपीसी चेंज करना पड़ेगा, सीआरपीसी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो गुलामी है गेट की, वो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये इतनी खतरनाक गुलामी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी नहीं लाई, अंग्रेजों ने जो नहीं लाई, यूरोपियन लोगों ने नहीं लाई, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये गुलामी है। और इसलिए लड़ाई भी आप समझ लीजिए उतनी ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अंग्रेजों की लड़ाई बहुत आसान थी, आज ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ाई बहुत आसान थी। जो भी हमारे क्रांतिकारी लड़ गए वो बहुत आसान लड़ाई लड़ गए, आपको उससे 1000 गुनी ज्यादा मुश्किल लड़ाई लड़नी है। अंग्रेज थे तो दुश्मन आपका एक था, सामने दिखाई देता था, यहां तो अंदर ही अंदर दुश्मन खड़े होने वाले हैं। मैंने आपको खेती का एक उदाहरण दिया था कि चीप इम्पोर्ट आएगा तो मजदूर चिल्लाएगा कि मुझको सस्ता माल मिल रहा है, क्यों रोकते हो, किसान चिल्लाएगा कि मुझे भाव नहीं मिल रहा है। तो मजदूर और किसान एक दूसरे के दुश्मन बन के खड़े हो गए। अब आप पहले लड़ाई लड़ेंगे या इनके झगड़े सुलझाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ तो यह था कि मजदूर भी और किसान भी और कारीगर भी सब मिलकर लड़ सकते थे, यहां तो सब भाई भाई दुश्मन हो गए एक दूसरे के, तो एक गेट के समर्थन में हो गए, दूसरे गेट के विरोध में हो गए, हम ही लड़ रहे हैं आपस में। एक तरफ शरद जोशी हो गए और शरद जोशी की पूरी टीम हो गई, एक तरफ हम हो गए, वो हमको दुश्मन कहते हैं, हम उनको दुश्मन कहते हैं, और दुश्मन हम दोनों का वो अमरीका में बैठा हुआ। यही तो हो रहा है ना आज भी। तो ये लड़ाई आज की थोड़ी मुश्किल है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ज्यादा मुश्किल लड़ाई ज्यादा समझदारी से ही लड़ी जा सकती है।
समझदारी हमारी होनी चाहिए। किस पे? भीख मांगने में मांगे। ये मैंने देखी, आप घड़ी देखी है तो 12 बज रहा है, आपके भोजन का समय हो रहा है और मैं अब इसको खत्म करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा हो तो इसको थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, इस सेंस में कंटिन्यू कर सकते हैं कि अभी मैंने 2 चैप्टर लिए, अभी इसमें टेक्सटाइल बाकी है, ये व्यापार वाला जो ट्रेड का है वो बाकी है, सर्विसेज का बाकी है, ये बैंक वाले बैठे हैं, बीमा वाले बैठे हैं, तो उसमें से दो दो तीन तीन प्रोविजन इसी तरह से लेके सुना देता हूं एक, और अंत में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि ये कितने खतरनाक लोग हैं, आपको ये समझ में आ रहा है? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये गेट का जो ड्राफ्ट मेरे सामने रखा है ये 50 साल पहले तय हुआ है, आपके सामने अभी आया है। उनको अंदाजा था, क्योंकि मैंने बताया ना हर 30-40 साल में उनकी इकोनॉमी में रिसेशन आता है यूरोप और अमेरिका में, वो रिसेशन को दूर करने के लिए वो पहले से प्लानिंग करके रखते हैं, अभी ये रिसेशन आएगा तो कहां युद्ध करना है, अभी ये आएगा तो क्या करना है क्या करना है क्या करना है, वो 50 साल पहले से हिसाब करके कैलकुलेशन करके चलते हैं। और हम इस मानसिकता के भाई आ जाएगा तो सोचेंगे, ठीक है ना, जैसे अभी इन्होंने कहा, पिंगले जी ने कहा, भाई जो सबका होगा हमारा हो जाएगा, ये हमारी मानसिकता। ये दोनों मानसिकताओं में जमीन आसमान का फर्क है। उनका मन ऐसे चलता है कि अगले 50 साल में क्या क्या हमें करना है, उसकी वो माइक्रो लेवल पे कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, कमीशन बन जाते हैं, स्टडीज होने लगती हैं, सब सब होने लगता है। हमारी मानसिकता ये है कि भाई आ जाएगी सिर पे तो देख लेंगे, आ जाएगी तो सब मदद करने के लिए इकट्ठे भी हो जाएंगे, पहले से कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो दो अलग तरह की मानसिकताएं हैं, इसलिए संघर्ष थोड़ा कठिन है। अगर हमारी भी मानसिकता ऐसी होती कि हम भी 50 साल पहले से सोच लेते कि ये यूरोप और अमेरिका में हर 30 साल में रिसेशन आता है, और रिसेशन आता है तो वो ये काम करते हैं, ये करते हैं, तो अपने को बचाने का तरीका क्या, हम भी सोच लेते ये 50 साल पहले 1947-48 में। हमारी आदत वैसी नहीं है, हमारी से मतलब हम हिंदुस्तानियों की मतलब बांग्लादेशियों की, पाकिस्तानियों की, ये जो नजदीक है ना, ये सब एक ही तरह के लोग। तो ये जो मन है वो अलग अलग तरीके से चलता है। यूरोपियन और अमेरिकन जो मन होता है, जो माइंड होता है, वो एक तरह से काम करता है, हिंदुस्तानी मन जो है एक अलग तरीके से काम करता है। ये इतना डिफ्रेंशिएशन कैसे है? तो मैं नेक्स्ट जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये भी जरा हमें समझ लेना चाहिए कि उनका मन ऐसा क्यों काम करता है। आपके मन में ये है कि वो सबको लूटमारी करके सब भर भर के अपने घर में ले जाने का, ये मानस कैसे आता है? ये इसको लूटो उसको लूटो, यहां मार करो वहां मार करो। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, यूरोप की पूरी फिलॉसफी में ट्रेड और प्लंडरिंग में कोई फर्क नहीं है। प्लंडरिंग माने लूटपाट, लूटपाट को ही व्यापार कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान रखना। यूरोप के जितने भी बड़े फिलोसोफर हुए, जैसे अरिस्टोटल है, देकार्ते हैं, लेबिनेज हैं, जो बनाते हैं समाज की फिलोसफी, हमारे यहां ऋषि मुनि बनाते हैं, उनके यहां फिलोसोफर्स, उन सभी ने ये माना है कि व्यापार और लूटमार में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। माने जब वो ये कहते हैं ना कि हम व्यापार कर रहे हैं, तो आप जान लो कि वो लूटमार कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों अलग अलग है, हम लूटमार और व्यापार में हमारे लिए जमीन आसमान का फर्क है। हम व्यापार भी करते हैं तो बहुत एथिक्स के साथ करते हैं कि सवेरे जवान दे दी आपको ये भाव की तो यही भाव पे बेच रहे हैं, भले दोपहर को भाव कुछ भी हो गया। तो हमारा मन तो ऐसे चलता है, एथिक्स वाले हैं, नियम वाले हैं, संयम वाले हैं, कानून अपने आत्म संयम वाले हैं वगैरह, और वो इस तरह के हैं कि कहीं भी लूटमार कर लो वो भी व्यापार है, किसी को भी मार दो वो भी अच्छा ही है, नहीं मार दो गुलाम बना लो वो भी अच्छा है। तो ये जो मन बना है उनका, वो कैसे बना है, वो थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। तो क्या होगा कि थोड़ा मैं मानता हूं कि थोड़ी समझ पूरी जैसी हो जाएगी, नहीं तो अधूरा अधूरा। अभी जैसे आपके मन में ये आने लगेगा, उनके मन में दया नहीं आती बिल्कुल कभी कि ये करोड़ों लोग मर जाएंगे भूखे, नहीं आती, क्योंकि मन वैसा बना हुआ है। उनके मन में करुणा नहीं आती कभी। आप कहते हैं ना कि मनुष्य मनुष्य तो सब एक ही होते हैं,
प्रेम है, प्यार है, करुणा है, ये तो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, लेकिन उसके परसेप्शंस अलग अलग हैं, अर्थ सबके लिए अलग अलग है। आपके लिए दया प्रेम करुणा का जो अर्थ है वो यूरोपियन के लिए नहीं है। वो ये कहेंगे कि ये गेट करार लागू करके हम आपके ऊपर दया ही कर रहे हैं, आपको अपने से मिला रहे हैं ना, तो ये दया ही कर रहे हैं, या आपके प्रति हमारा प्रेम ही है जो ये हम दिखा रहे हैं आपको। आपने किसी का आलिंगन किया और उसकी हड्डियां तोड़ के चटका दिया, आपने कहा तो मैंने तो आलिंगन ही किया था ना, अब तुम्हारी हड्डी टूट गई तो क्या करो। हाँ, तो ये जो मान्यता है ना, वो कहेगा भाई मैंने तो प्रेम करने के लिए गले मिला, अब आपकी हड्डी टूट गई तो क्या करूं। अब उसका तो वैसा है, मन भी वैसा है, शरीर भी वैसा, जैसा मन होता है वैसे ही शरीर बनता है, और जैसा मन चलता है वैसे विचार आते हैं। आप तो जानते हैं ना, मन की गति से ये सब होता है। मन में आपने कुछ धारण कर लिया तो वैसी दुनिया बनाएंगे आप। भाई आप अपने घर में, आपने कुछ मन में तय किया हुआ है, आपका ड्राइंग रूम वैसा होगा, आपका डाइनिंग रूम वैसा होगा, आपका सोफा सेट वैसा होगा, आपका किचन वैसा होगा, आपका पूजा घर वैसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। दूसरे के घर में वैसा नहीं मिलेगा, उसने कुछ और सोचा हुआ है तो उसका वैसा होगा। किसी का किचन घर के बाहर मिल जाएगा, किसी का घर के अंदर मिल जाएगा, किसी का बाथरूम बाहर मिलेगा, किसी, ये सब मन का खेल है। वो कहा है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, सब खेल तो मन से ही होता है, हारना जीतना भी मन से होता है। तो उनका मन कैसा है, हमारा मन कैसा है, ये थोड़ा हम अगर समझ लेंगे तो ये सब जो लगता है ना, ये आपको भयावह नहीं लगेगा, नहीं तो इसमें डर लगेगा आपको। और मैं नहीं चाहता कि हम डरे। अभी क्या है कि ये गेट करार का मैं ज्यादा सुनाता हुनाता नहीं हूं, व्याख्यान में भी 5-7 मिनट में खत्म कर देता हूं, क्योंकि डर आ जाता है, अरे इतना होने वाला है, इतना खराब होने वाला है, प्रलय आ जाने वाली है। अब मुझे मालूम है कि आने वाली है, लेकिन मैं नहीं सुनाता, क्योंकि और क्यों डराना उसको, थोड़ी बहुत हिम्मत है वो भी चली जाएगी। आप तो थोड़ा और डरा देंगे तो अंत में तो यही कहेगा ना, जो सबका होगा मेरा भी हो जाएगा, सब भूखे मरेंगे, मैं भी मर जाऊंगा, तो ये डर का ही तो प्रतीति है भाई। मेरी हिम्मत नहीं है अब कुछ करने की, तो मैंने मान लिया अब जो सबका होगा मेरा भी हो जाए, तो ये नहीं करना है हमें, हमारा भी ना हो, हम किसी और का भी ना करें। तो उसके लिए थोड़ी एक समझ अगर बन जाए हमारी कि उनका मन कैसा है, उनका विश्वास कैसे है, उनकी परंपराएं कैसी हैं, उनकी मान्यताएं कैसी हैं, मन से ही मान्यताएं निकलती हैं, वो क्या मानते हैं, हर चीज को कैसे करते हैं, ट्रेडिशंस में, घर में, घर के बाहर, प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, वगैरह वगैरह, ये यूरोपियंस और अमेरिकन्स, वो मैं एक थोड़ी सी बात और सुनाना चाहता हूं, फिर उसके बाद आपको ये बात और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में भी आते थे। जब हम धर्मपाल जी के साथ चर्चा करते थे और धर्मपाल जी ये सुनाते थे कि 10 करोड़ लोगों को मार डाला अमरीका में, तो मेरे मन में ये आता था, इनको दया नहीं आती बिल्कुल, 10 करोड़ को मार दिया। हम तो एक को चांटा मारे तो फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि ठीक मारा था कि गलत मारा था, और मार दिया गलत तो फिर प्रायश्चित करना शुरू कर देते हैं। इनके मन में प्रायश्चित क्यों नहीं आता कि हमने 10 करोड़ अमेरिकन्स को मार दिया था, या ऑस्ट्रेलिया में मार दिया 2 करोड़ लोगों को, या न्यूजीलैंड में मार दिया, कभी इन्होंने सोचा नहीं क्या? ये प्रश्न मैं धर्मपाल जी से अक्सर करता था कि हम जब इतने द्रवित होते हैं, किसी को मरता हुआ देख लें, कहीं सड़क पे खून दिखाई दे जाए तो वन वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाता है कि अरे इतना खून पड़ा। अब इन्होंने 10 करोड़ लोगों को मारा होगा तो कितना खून बहा होगा, कैसे कत्लेआम हुआ होगा, इनको कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, तो ये कैसे? तब धर्मपाल जी ने कहा कि देखो, अगर ये बात तुम्हें समझनी है तो ये यूरोपियन और अमेरिकन लोगों की प्राइवेट लाइफ जरा समझने की कोशिश करो, उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, क्योंकि जो कुछ निकलता है वो प्राइवेट लाइफ में से निकलता है। प्राइवेट लाइफ से मतलब घर में आप क्या व्यवहार करते हैं, आप घर में रहते हैं, आपका अपनी पत्नी से व्यवहार क्या है, अपनी बहन से व्यवहार क्या, अपने पिता से व्यवहार क्या, अपनी माता से व्यवहार क्या है, ईश्वर के साथ आपका क्या व्यवहार है, घर के नौकर चाकरों के साथ आपका क्या व्यवहार है, आपके घर में जो वस्तुएं हैं उनके साथ आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, कैसे व्यवहार करते हैं, वस्तुओं को कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं, कैसे सुखाते हैं, कैसे नहीं सुखाते, ये सब जो है ना, ये निजी वो है, प्राइवेट लाइफ है। ये जो प्राइवेट लाइफ में से ही पब्लिक लाइफ बनती है, वो जो आप घर में करेंगे वही बाहर करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर में आप एक करें बाहर, कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत ही बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलता, बस इतना ही बदलेगा कि घर में आप लुंगी पहन के बैठे रहते हैं, बाहर पजामा पहन के जाएंगे या पैंट पहन के जाएंगे, व्यवहार में परिवर्तन इतना ही आएगा, बाहरी आपके पहनावे में परिवर्तन आ जाएगा, मन नहीं बदलता, मन तो वैसे ही काम करेगा।
तो ये लोग जो अंग्रेज हैं या यूरोपियन है या अमेरिकन है जो ये सब घातकी काम कर रहे हैं, गेट लाया, आईएमएफ लाया, वर्ल्ड बैंक लाया, उनका मन कैसे काम करता है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी रही हैं, प्राइवेट लाइफ कैसी रही है, अगर वो थोड़ा हमको समझ में आया तो मुझे लगता है कि ये हमारी समझ थोड़ी और पक्की हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि थोड़ी एक समझ बन जाए तो फिर क्या है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें भय नहीं आएगा, डर नहीं पैदा होगा। नहीं, भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, तो हम ही बैठ जाएंगे घर में कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, डूब रहा है तो हम सब डूब। वैसा कुछ ना हो, और डर तब होता है जब आपको ज्ञान ना हो, ज्ञान हो गया तो निकल जाता है। अब जैसे कोई सांप है, आपको अगर ज्ञान है कि ये तो मारने वाला नहीं है, सांप तो कई तरह के होते हैं ना, दो तीन तरह के सांप हैं जिनको जिन्होंने आपको काट लिया तो आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन बाकी से तो नहीं होती। होती है क्या? 500-600 किस्म के सांप होते हैं, सब सांप के काटने से मौत नहीं होती। अगर ये ज्ञान आपको है तो आपका उसके प्रति डर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसी में एक बात, सांप का व्यवहार का अगर आपको ज्ञान है, उसका व्यवहार क्या है, तो आपको मालूम है कि आपने उसके ऊपर पैर नहीं रखा तो वो कुछ करने वाला नहीं है। अब ये कृष्णमूर्ति भाई बताते रहते हैं कि ये खेत में काम करते हैं, सांप इनके पड़ोस से निकल जाता है। फिर एक दिन ये बता रहे थे कि इनका कुत्ता और सांप खेलते रहते हैं, वो कुत्ता उसको भोंकता रहता है, वो उसको फुफकारता रहता है, दूसरा एक दूसरे को काटता नहीं है। तो हमें व्यवहार मालूम है कुत्ते का भी और सांप का भी, तो ना हमें कुत्ते से डर लगता है ना सांप से डर लगता है। इन्होंने एक दिन बताया कि इनके कुत्ते के ऊपर सांप सो रहा था। अब ये कुत्ते के ऊपर सांप सो रहा था तो आपके ऊपर भी सो सकता है। ये जो छोटे बच्चे हैं उनको डर नहीं लगता क्योंकि वो इस पछड़े में नहीं पड़ते, वो पकड़ लेते हैं हाथ से। अब आप पकड़ते हैं कि नहीं नहीं पकड़ना, काट लेगा, हो सकता है नहीं भी काटे, हो सकता है काटे, और जरूरी नहीं है कि सब सांप के काटने से ही मौत हो जाए, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं सांप काटने से कि सांप ने काट लिया। 3-4 जहरीले सांप हैं, उसमें रसल स्वाइपर है, करत है, कोबरा है और एक दो है, वही काटने से मरता है आदमी, बाकी से तो कोई प्रश्न ही नहीं है मरने का, लेकिन डर हमें सभी से लगता है क्योंकि हमें किसी के व्यवहार का पता नहीं है। ऐसे ही बिच्छू है, बिच्छू काटने से डर लगता है, लेकिन बिच्छू का व्यवहार अगर हमें मालूम है कि वो कब काटेगा कब नहीं काटेगा, ठीक है। कुत्ते से डर लगता है लेकिन कुत्ते का व्यवहार हमें मालूम है, वो कब भौंकेगा कब नहीं भौंकेगा। गाय से बहुत लोगों को डर लगता है, रोटी खिलाते खिलाते भी दूर से, कहीं मार न दे हमको। तो ये डर क्यों है? क्योंकि गाय के व्यवहार का अंदाजा नहीं है, अगर अंदाजा हो जाए तो उससे भी डर नहीं लगेगा। जब भी दुनिया में कोई भी काम करते समय आपको क्रियाओं का अंदाजा हो, प्रतिक्रिया का अंदाजा हो, ज्ञान थोड़ा हो, तो डर सबसे कम होता है। तो ये अंग्रेजों से, यूरोपियन लोगों से, अमरीकियों से डरने की बात नहीं है, और ये डर हमारा निकल जाएगा अगर उनके व्यवहार के बारे में हमें पता चल जाए। हमें मालूम नहीं है कि वो व्यवहार कैसा करते हैं, अगर हमें मालूम हो तो फिर उसी के हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। तो मुझे आज के समय में 10-11 साल ये सारा काम किया, अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अगर आजादी बचाओ आंदोलन या कोई भी संगठन देश के लिए कुछ करना चाहता है, और खासकर ये अंग्रेजियत की और गुलामी की व्यवस्था से निकाल कर पूरे देश को अपनी व्यवस्था में लाना चाहता है, ऐसे हर व्यक्ति को गुलामी लाने वाले लोगों के व्यवहार का ज्ञान होना, उनके मन का ज्ञान होना, उनकी प्राइवेट लाइफ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मुझे जब से ये हो गया मेरे मन से डर निकल गया। पहले मुझे भी डर लगता था, 94-95 में मैं भी डरता था ये गेट करार पढ़ते पढ़ते कि अरे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन अब ये डर नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया है कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका मन कैसा है। अब आपको किसी के व्यवहार के बारे में पता है तो आप उसी तरह से अपने को डिफेंस कर सकते हैं या ऑफेंसिव बना सकते हैं। आपको मालूम है कि आपके घर में आने वाला आपको सीधे गाली ही देने वाला, उसका व्यवहार ऐसा है, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं कि क्या करना उसके साथ। अगर आपको पता नहीं है कि जो आने वाला है उसका व्यवहार कैसा है, तब तो आप फंसने वाले हैं। तो हमारे यहां ये जो आने वाले हैं बड़े पैमाने पर, 2005 के बाद जब ओपन ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, तो हमें पता तो होना चाहिए कि इनका मन कैसा है, व्यवहार कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, उनकी पब्लिक लाइफ कैसी है। तो मैं एक व्याख्यान घंटे डेढ़ घंटे का उस पर देना चाहता हूं, जो मेरी समझ बनी है पिछले 10 साल थोड़ा अध्ययन करके, धर्मपाल जी से चर्चा करके, कुछ किताबें पढ़ के, वो मैं आपको बताना, क्योंकि आपको वो करना पड़ेगा तो 10 साल आपको लग जाएगा। हाँ, तो ये 10 साल आप बिगाड़े नहीं, मैंने तो बिगाड़ा, लेकिन आप ना बिगाड़ें।
उतना ज्ञान अगर उतनी समझ हो गई तो ये सब कुछ जो खेल चल रहा है गेट का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, ये सब आपको समझ में आने लगेगा। और वो समझ बन जाए तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि आप आजादी बचाओ आंदोलन में रहें या न रहें, आप छोड़ के भी चले जाओ तो मुझे कोई गम नहीं है। मुझे इतना संतोष होगा कि एक समझ वाला नागरिक हमने बना लिया। हमारी तो बहुत बड़ी भूमिका यह है कि एक समझदार व्यक्ति इस देश में हमने पैदा कर दिया, हमारी मदद से, हमारे आंदोलन की मदद से या हमारे कामों की मदद से। और यही अगर समझदार लोग बढ़ते चले गए, हजार, दो हजार, लाख, दो लाख, तीन लाख, यही व्यवस्था को बदल देंगे। जिनको एक बार समझ में आ गया कि ये ऐसे चलती है व्यवस्था और इसका स्वभाव ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, तो इसके विपरीत व्यवस्था कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा। आपका पड़ोसी है, उसका व्यवहार स्वभाव आपको मालूम है तो पड़ोसी से रिश्ते कैसे बनाने हैं वो आप जानते हैं, होता है कि नहीं होता। मेरे पड़ोस में रहने वाला मांसाहारी है, दारू भी पीता है, ये भी करता है, तो मुझे मालूम है कि उससे क्या रिश्ते बनाने। लेकिन मेरे बगल में रहने वाला मेरे जैसा है तो मुझे मालूम है कैसे रिश्ते। तो हमारे बगल में रहने वाले ये देश थोड़ा दूरी पर, यूरोप और अमेरिका, इनका स्वभाव, इनका व्यवहार, इनका मन, किस में से ये सब निकलता है, वो थोड़ा अगर समझ में आए, फिर उसके बाद ये गेट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि इतना सब सुनने के बाद गांव वाला भी पूछेगा आपसे कि ये सब इतने अत्याचारी, इतने घातकी हैं, इतने निरंकुश हैं, इतने डेस्पोटिक हैं, कहीं कोई प्रेम नहीं, कहीं कोई करुणा नहीं, कहीं कोई मन में ये नहीं, तो उसके जवाब तो देने पड़ेंगे क्योंकि वो उसकी समझ बनाने में मदद करेंगे। तो वो जवाब आप इसी तरह से दे पाए। अपने एक मिनट कह के खत्म कर रहा हूं, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन चूंकि आ गया विषय, इसलिए कि अपने को पूरे भारत देश की कोई भी किताब में, कोई भी शिक्षा में ये बताया ही नहीं जाता कि यूरोप की प्राइवेट लाइफ कैसी है। हमें कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, हमें बस इतना मालूम है कि उनके यहां फ्लाईओवर इतने बने हुए हैं क्योंकि हम थोड़े गए हैं। हमारे जैसे कुछ लोग, ये कृष्णमूर्ति जैसे, बेलजी भाई जैसे कुछ गए हैं विदेश में, तो उन्होंने देखा है फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर है, रोड के ऊपर रोड है, 200 मंजिल इमारत है, 500 मंजिल इमारत है, 1000 मंजिल इमारत है, रात भर बिजली से जगमगाती है और इतना प्रकाश करती है, दिन में भी रात रहता है, रात में भी दिन रहती है, ट्रेन एक मिनट लेट नहीं होती है, फ्लाइट में एयरपोर्ट पे हर मिनट एक हवाई जहाज उतरता है, एक्सीडेंट नहीं होता वगैरह वगैरह, ये सब हम कहते ही है ना। लेकिन इसके पीछे जो काम करने वाला मन है वो तो आदमी का है, वो कैसा वो नहीं मालूम हमें। उनकी प्राइवेट लाइफ क्या है वो नहीं मालूम हमें। अगर आपको किसी सिविलाइजेशन को समझना हो तो उसकी प्राइवेट लाइफ सबसे पहले समझनी पड़ती है, उसी में से सब निकलता है। तो अगर ये यूरोपियन सिविलाइजेशन इतना डेस्पोटिक है, इतना प्लंडरिंग वाला है, इतना निरंकुश है, लूटपाट है, घातकी है, तो ये है कैसे, क्यों है ऐसे, हम ऐसे क्यों नहीं है, हमारा मन ऐसे क्यों नहीं सोचता कि हम जाएं और श्रीलंका पे कब्जा कर लें, या हमारा मन ऐसे क्यों नहीं कहता कि हम पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया जाएं और सबको एक तरफ से हिंदू बना डालें, इन्होंने हमको मुसलमान बनाया हम सबको हिंदू बना दें, ऐसे क्यों नहीं सोचता हमारा मन। हमारा मन ऐसा क्यों सोचता है कि मुसलमान भी आया तो पहले पानी तो पूछ ही लेंगे कि यार गुड़ खा लो और पानी पी लो फिर बात करते, भले वो हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं। तो हम तो ऐसे सोचते हैं और उसके हिसाब से एक्शन करते हैं, वो बिल्कुल दूसरे तरह से सोचते हैं और एक्शन करते हैं। मुझे एक बहुत महत्व की बात धर्मपाल जी ने कही, मैं रोज सवेरे उनके साथ टहलने जाता हूं, इसलिए आपके पास मैं सवेरे के सत्र पे नहीं रहता। ये मेरा नियम है कि जब मैं यहां रहता हूं वर्धा में तो उनके साथ रोज सुबह एक दो ढाई मील हम लोग, माफ करिए, दो ढाई किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं फिर आते हैं। वो पैदल चलना नहीं है, उसमें हमारा बहुत एजुकेशन होता है। मैं उनसे पूछता हूं वो जवाब देते हैं, मैं पूछता हूं वो जवाब देते हैं, मैं पूछता हूं वो जवाब। ऐसे ही अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले उदयन वाजपेयी नाम के व्यक्ति आए, बड़े हिंदी के लेखक हैं। मैं, उदयन वाजपेयी, धर्मपाल जी, हम गए ऐसे ही घूम। उदयन वाजपेयी ने एक प्रश्न किया और बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि ये यूरोप के लोग स्किन के लिए इतने ऑब्सेसिव क्यों है, इसको आप समझिए ऐसे, और शेक हैंड करेंगे, हाथ मिलाएंगे, हम तो नमस्ते करेंगे दूर से, आप वहां खड़े हैं मैं यहां खड़ा हूं, मैं नमस्ते, वो नहीं, वो शेक हैंड करेंगे, और शेक हैंड भी करेंगे तो पूरा यहां तक हाथ पकड़ेंगे और नजदीक लाएंगे, और नजदीक लाने के बाद किस भी कर सकते हैं आपको। तो उदयन वाजपेयी ने एक प्रश्न पूछा कि ये किस करने के लिए इतने परेशान क्यों रहते हैं, अजनबी आदमी के साथ भी,
सिर्फ अपने परिचितों के साथ नहीं, हम तो परिचित के साथ करेंगे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप उसको ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो अजनबी के साथ भी करेंगे जिससे उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलते रहते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्या जवाब देते हैं धर्म। तो धर्मपाल जी ने कहा वो तो उनकी प्राइवेट लाइफ से देख लो, मिलेगा। तो मैंने कहा प्राइवेट लाइफ से, बताया कि ये किताब है, ये किताब है, ढूंढ लो। तो मैंने ढूंढा, मैंने कहा इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, उनको सब सामने वालों से डर लगता है, इसलिए उसको छू के देख लेते हैं कि कोई हथियार वत्यार तो नहीं है। हाँ ये है, हाँ। और जब वो गले मिलेंगे, आलिंगन करेंगे, तो पूरा पीठ पे हाथ फिराएंगे, आपके यहां हाथ फिराएंगे, पीठ पे ऐसे पकड़ लिया और ऐसे हाथ फिराएंगे, पीछे तो कुछ छुपाया नहीं है आप, और हाथ मिलाएंगे तो यहां तक ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके फिरा देंगे, देख लिया कि यहां कुछ छुपाया नहीं है, यहां कुछ छुपाया नहीं है, यहां भी कुछ छुपाया नहीं है। ये है उनकी मानसिकता, ये है उनका मन। अब हम कहते हैं कि देखो वो भेदभाव नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते, वो सबको किस कर सकते हैं। अब बात तो ये है कि उनको डर इतना है कि सामने वाले के हाथ में कुछ हथियार हो सकता है, वो भोग देगा मेरे पेट में, आलिंगन करते समय, गले मिलते समय, उनको डर है, इसलिए ऑब्सेशन है। अब उस दिन घूम गया, हमारा दिमाग तो घूम गया, फिर उसी हिसाब से देखना शुरू किया, तो बहुत सारी बातें समझ में आ गई। अभी तक हम समझते थे दूसरे, हम ये समझते थे कि हम इतने गए गुजरे हैं कि सामने वाले का हाथ भी नहीं पकड़ सकते, हमको लगता है ये छुआछूत है क्या, या इसका वायरस मेरे हाथ में घुस जाएगा, वो नहीं है। हमें डर नहीं है ना सामने वाले से, उनको डर है हर एक के साथ। तो डर में से ये निकला है, और स्किन ऑब्सेशन उसका लास्ट रिजल्ट है ये। लेकिन ये मेरे समझ में आया उनकी प्राइवेट लाइफ देखने के बाद, ऐसे कभी समझ में नहीं आता। ऐसे तो हम यूरोप जाते हैं, आप भी जाते हैं और जाएंगे, आप तो कहेंगे देखो कितने अच्छे लोग हैं, हमेशा गले मिलते हैं, हमेशा हाथ छूनते हैं, हमेशा चूम कर बात करते हैं, किस करते हैं, वो तो इसलिए करते हैं, प्रॉब्लम तो दूसरा है उनका। और ये क्यों है, क्योंकि सबको लूट रहे हैं, सबको मार रहे हैं, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सबके साथ डेस्पोटिज्म कर रहे हैं, तो डर तो रहने ही वाला है मन में। जब आप किसी को लूट नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्यों डर होने वाला है सामने वाले। तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये घटना से कुछ समझ हमारी बनती है। तो मैं आपको एक समझ ऐसी देना चाहता हूं कि ये यूरोपियंस लोगों ने इतने बड़े बड़े होटल्स क्यों बनाए हैं, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स क्यों बनाए हैं, उनके यहां मेहमानों के साथ क्या बात करने की परंपरा है, उसमें से समझ में आएगा। घर में इतना डेकोरेशन क्यों करते हैं, चीजों के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वगैरह वगैरह, उसमें से उनके मन में से वो समझ में आता है। आपका मन अगर वैसा नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं है। हमारे बहुत करोड़पति घरों में जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं चटाई के अलावा, चटाई पे सो रहे हैं। और उनके यहां करोड़पति होने का मतलब ये है कि घर में ज्यादा स्थान वस्तुओं का हो, बाकी ओपन स्पेस कम से कम हो। वस्तुओं से भरना है घर को, ओपन स्पेस नहीं रखना है। स्पेस का उनका एक कॉन्सेप्ट है, हमारा बिल्कुल दूसरा कॉन्सेप्ट है। हम ओपन स्पेस चाहते हैं। तो आप करोड़पति, मैं तो जाता हूं दक्षिण भारत में, करोड़पति घरों में जाता हूं, एक चटाई रखी हुई है, एक ये रखा है, बस सोते हैं, खाली घर है, स्पेस ज्यादा है, वस्तुएं कम है। यूरोप में आपको कोई करोड़पति का घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां स्पेस ज्यादा हो, वस्तुएं कम। वहां वस्तुएं ज्यादा होंगी, ओपन स्पेस कम से कम होगा। तो वस्तुओं से क्यों इतने जुड़े हुए हैं, तो वो उनके मन में से समझ में आएगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। तो ये भी समझ में आएगा कि वो किसानों के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज लोगों के साथ क्यों करना चाहते हैं वगैरह। अगर ये समझ बन जाए तो फिर उसकी काट क्या है वो भी हमारी समझ बन जाए। बस इतना ही मुझे कहना है, बहुत समय हो गया है आप लोगों का, इसी पे हो जाएगा। चलिए।